लेकिन एरे पढ़ने से पहले ना मैं ये समझता हूँ कि एक टॉपिक है हमारा, वो हमें पहले पढ़ना चाहिए कि वेरिएबल मेमोरी में सेव होता कैसे, ठीक है ना, हाउ अ वेरिएबल गेट सेव्ड इन मेमोरी, ये एक टॉपिक है और ये बड़ा ज़रूरी टॉपिक है, वो मैं चाहता हूँ कि हम पढ़ लें। उसके लिए मैं ड्राइंग ऐप अगर ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ड्राइंग ऐप मेरे पास नहीं है अवेलेबल, तो मैं पेंट खोल लेता हूँ। सही है, पेंट ओपन कर लिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं आपके सामने एक बाइनरी नंबर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया ज़ीरो, आ रहा है सब लोगों को नज़र, आई होप। अच्छा, ये वन, उसके बाद एक और वन, उसके बाद एक और वन, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो और फिर ज़ीरो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। हाँ, कितने लोग आप में से ये बता पाएंगे कि ये बाइनरी नंबर जो लिखा हुआ है, ये बाइनरी में क्या लिखी हुई है बात? क्योंकि हम तो ऐसे कहते हैं ना कि कंप्यूटर में तो वो हर चीज़ वो बाइनरी में सेव होती है, तो वेरिएबल मोस्ट प्रॉब्ली रैम मेमोरी में सेव होता है, ये तो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ आपसे, तो मगर रैम मेमोरी में कैसे सेव होता है, तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर क्योंकि बाइनरी में चलता है, तो पहले हमें सबसे बाइनरी को समझना होगा, उससे फिर हमें समझ आएगी कि अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है अंदर गेम। तो प्लीज़ ज़रा ये बताएं कैलकुलेट करके, किसी को अगर पता है कि बाइनरी में ये जो बात लिखी हुई है, ये क्या बात लिखी हुई है, और फिर ज़रा फिर एक्सप्लेन भी करना होगा कि कैसे आपने ये कैलकुलेट किया। हाँ जी, किसी को पता लगा? वन ट्वेंटी सिक्स एक दोस्त ने आंसर दिया, 146। अच्छा, एक आंसर आया हमारे पास कि ये 146 है, 184 भी आया एक जवाब जी। वन एटी फोर ही आपके ख्याल में? हाँ जी, बाकी लोग? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, जोर से ज़रा बोले कि यस सर, ऐसे बोल के बताएं ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो सारी क्लास ने बोल दिया। अच्छा, तो 80% लोगों ने तकरीबन हाथ खड़ा किया कि उनको नहीं समझ आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है बाइनरी में। वैसे तो कैलकुलेशन वो एलसीएम निकाल के पता नहीं क्या लंबा चक्कर है, तो वो तो बंदा भूल जाता है फिर। अच्छा, तो मैं अभी गारंटी कर रहा हूँ कि अभी 5 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा कि ये बाइनरी में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद ना सिर्फ ये नंबर बल्कि इसके जैसा एक और भी नंबर मैं आपको दूंगा, और ये नंबर और एक और नंबर जो दूंगा मैं, दोनों आप फिंगर टिप पे कैलकुलेट करके बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा, तो लेकिन इससे पहले हम कहानी सुनते हैं ज़रा थोड़ी सी। बाइनरी की कहानी, क्योंकि कंप्यूटर तो चलता है बाइनरी में, मगर बाइनरी क्यों और कैसे, वाई बाइनरी? तो हम चलते हैं और थोड़ा पीछे हिस्ट्री में, जब कंप्यूटर नहीं बने थे उस वक्त चलते हैं, उस वक्त के टाइम पे चलते हैं, बल्कि उससे और पीछे चलते हैं, जब सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री के मैनकाइंड ने यह बात दरियाफ्त की कि जो सब्सटेंस होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर एक जो होता है वो होता है कंडक्टर, और एक होता है इंसुलेटर। सही है, सम पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इससे और पीछे जाना मुनासिब नहीं, फिर वो और लंबी हो जाएगी बहुत। तो मैनकाइंड ने ये बात डिस्कवर की, या उस वक्त के जो भी साइंटिस्ट होंगे या जो भी इस फील्ड से लेने देने वाले, उन्होंने ये बात डिस्कवर की कि यार एक
इंसुलेटर होता है, एक कंडक्टर होता है। अच्छा, कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है, आप सब लोगों को बताइए, बेसिक पढ़ाई जाती है साइंस में ये। अच्छा, इंसुलेटर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, सही है, रोक ले। अच्छा, जैसे कि लकड़ी या प्लास्टिक या कोई आपका जो पीवीसी वगैरह, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। इसी तरीके से जो कंडक्टर की एग्जांपल है, लोहा, तांबा वगैरह, गोल्ड, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं, थोड़ा या ज़्यादा कंडक्ट कर देते हैं, लेकिन ये सारे कंडक्टर कहलाते हैं। अच्छा, फिर मैनकाइंड ने थोड़ी सी तरक्की की और उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की, एक नई डिस्कवरी हुई कि एक तीसरे तरह का भी मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं, वो तीसरे तरह का मटेरियल जो एक्सप्लोर किया है इन्होंने, डिस्कवर किया, वो उसकी ख़ास बात क्या है कि जब उसको हम चाहें तो वो कंडक्टर बन जाता है और जब हम चाहें तो वो इंसुलेटर बन जाता है। एक ऐसे तरह का दरियाफ्त हो गया मटेरियल। अच्छा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेमीकंडक्टर। अच्छा, अगर मैं सेमीकंडक्टर तो बल्कि टाइप है उसकी, नाम तो, नाम अगर मैं उसका लूँ तो सिलिकॉन, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से दरियाफ्त हुआ? ये रेत से बना, रेत जो होता है ना वो सलीका कहते हैं उसको, एक ख़ास किस्म की रेत होती है सलीका, जो हमारे यहाँ बजरी गिरती है ना, जो जिससे छत भराई होती है, जो उसमें वो गोंद के जैसा जो एक छोटे छोटे पत्थर होते हैं, दैट पत्थर इज़ कॉल्ड सलीका। अभी मैं लिखूँगा ना यहाँ गूगल पे कि सलीका सैंड, प्रोसेसर बनते इसी से ही हैं, अभी हम वो डिस्कस करते हैं। ये है सलीका सैंड, ये तो खैर पिसा हुआ है, ये देख रहे हो, ये इस तरह का होता है ना, जो बजरी गिरती है उसके अंदर होता है, येलो वाली जो बजरी होती है, तो ये सलीका इसको कहते हैं। सलीका स्टोन लिखूंगा ना तो वो पूरा स्टोन आ जाएगा, ये तो कोई दूसरा ही स्टोन आ गया, खैर छोड़ो, दांत वात तोड़ दिए इसने किसी के। वेल, तो ये तीसरा तरह का कंडक्टर वो हो गया, सेमी कंडक्टर इसको नाम दे दिया गया। अच्छा, अब सेमीकंडक्टर जो है उसकी, मैंने कहा कि वो उसको जब हम चाहते हैं तो कंडक्टर बन जाता है, जब हम चाहते हैं तो इंसुलेटर बन जाता है। तो ये होता कैसे है? ये हम उसको देते हैं, ख़ास तरह से हम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, एक ख़ास तरह से इलेक्ट्रिसिटी जब देते हैं तो वो कंडक्टर बन जाता है, और एक ख़ास तरह से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो इंसुलेटर बन जाता है। अच्छा, जो अगर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बैठा हुआ है या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ये सुन रहा है बात, तो वो कहेगा कि सर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। तो वो सोच, असल में मैं आसान करके बता रहा हूँ आपको, तो मुझे कोट मत कीजिएगा इस पर कि नहीं सर सेमीकंडक्टर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी सेटिस्फाई करने के लिए है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे है, दो तीन है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों, बैकग्राउंड वालों को सेटिस्फाई करने के लिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको सेमीकंडक्टर की, और वो है ट्रांजिस्टर। अच्छा, ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि एक उसका बेस होता है और एक होता है उसका जो तीन उसके अंदर मुंह होते हैं ना, बहरहाल तीन मुंह होते हैं उसके, तो मैं एक उसको मुंह से मैं करंट देता हूँ एक ख़ास अंदाज से, तो वो अपना गेट ओपन कर देता है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको बना के बताऊँ तो वो कुछ इस तरह से होता है, उसके ये तीन ऐसे मुंह होते हैं उसके। अच्छा, और ये यहाँ से जो है वो एक बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट होता है कुछ में, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्कनेक्टेड होता है कुछ में, है ना। अब मैं यहाँ से और यहाँ से उसको एक ख़ास अंदाज में करंट देता हूँ, तो या तो ये सर्किट ओपन हो जाती है या तो क्लोज़ हो जाती है। इसको वो कहते हैं गेट खोलना बंद करना, कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अबे क्या हुआ, मिट रहा क्यों नहीं है, ये हैंग हो गया ये। कौन सा सस्ता वो कर लिया मैंने, हाँ भाई ये सस्ता, मैंने अभी वो MS पेंट खोल लिया, इसमें कुछ चल रहा नहीं है, नहीं हो रहा, खैर हम कोई मसला नहीं है, हम इसको स्क्रॉल कर लेंगे।
हम दूसरा पेंट खोल लेंगे साथ में, कोई मसला नहीं है। अच्छा खैर, तो क्या हुआ फिर उसके बाद? ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी एक सेमीकंडक्टर की, कि वो क्या होता है बाय डिफॉल्ट, तो वो कुछ भी नहीं होता, ना वो कंडक्टर होता है ना वो सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन हम एक खास अंदाज से उसको देते हैं करंट तो वो कंडक्टर बनता है, एक खास अंदाज से देते हैं तो इंसुलेटर बन जाते हैं। तो ये इसको नाम है सेमीकंडक्टर का, हमने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया कि वो कब कंडक्टर होगा। अच्छा, इसका कंप्यूटर से तो मगर अभी तक दूर दूर तक कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा, तो वो मैं आपको कनेक्ट करवाता हूँ कि कैसे ये सेमीकंडक्टर का कंट्रोल करना ये बेसिस बना जदीद कंप्यूटर जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल कंप्यूटर, इसकी ये कैसे बुनियाद बना, और फिर उससे हम सीखेंगे कि ये हो क्या रहा है, अंदर सारा गेम समझ आ जाएगा। अगर ये बात समझ आ गई ना, ये सारा गेम समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो अब ये बड़ा अच्छा काम हो गया कि मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब एक ट्रांजिस्टर मेरे पास है, तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि एक ख़ास तरह से इलेक्ट्रिसिटी देता हूँ, तो उसको मैंने कंडक्टर बना के छोड़ दिया, इलेक्ट्रिसिटी डाल के कंडक्टर बना के छोड़ दिया। अच्छा, तो ये तो इन्फॉर्मेशन मेरी सेव हो गई ना इसके अंदर, ये तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन को इसमें सेव कर दिया। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं अब उसका एक उसका यूज़ केस निकालता हूँ कोई। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने बेडरूम में ना वो लगा दिया, बड़ा सा ट्रांजिस्टर एक इतना बड़ा सा लगा दिया मैंने। अच्छा, और मैंने उस पर ये निशानी लगाई कि अच्छा यार, मेरे फ्रिज में ना जैसे ही डबल रोटी ख़त्म हो जाएगी तो इसको मैं ऑन कर दूँगा। मतलब वो कंडक्टर बना हुआ है अगर, अच्छा वैसे तो वो कंडक्टर बना हुआ दिखता नहीं है, लेकिन इमेजिनरी एक बात है, समझने की बात है कि वो मैंने उसको कंडक्टर बना हुआ है ना अगर, वो तो इसका मतलब है कि डबल रोटी ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, अगर वो इंसुलेटर बना हुआ है यानी कि वो ऑफ है, तो इसका मतलब है डबल रोटी है। मैंने एक चीज़ सेव कर ली, यस और नो मैंने उसमें सेव कर लिया है ना। अच्छा, तो यही जो कंडक्टर और इंसुलेटर है, या ये यस और नो है, या ये ज़ीरो और वन है, या ये हाई या लो है, या नेगेटिव या पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, ये एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है, ठीक है। ये जब कंडक्टर बनता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो उसको कहते हैं कंडक्टर या इंसुलेटर, तो क्या कहते हैं, लेकिन इसको कंप्यूटर साइंस में कहते हैं ज़ीरो वन। कि मैंने एक, मेरे पास वेरिएबल है वो या एक वक्त में या तो ज़ीरो होता है या तो वन होता है, तो मैंने उसको वन करके छोड़ दिया कि यार वन का मतलब है कि डबल रोटी ख़त्म है, और ज़ीरो का मतलब है डबल रोटी है, एक मैंने इसको लगा लिया, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर इसको बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अच्छा, जो एक और इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है, क्या कहते हैं उसमें, इसको कहते हैं हाई लो, हाई करंट या लो करंट। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका एक और भी नाम है कि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, या हाई या लो का एक और नाम भी है 3 वोल्ट 5 वोल्ट। अच्छा, और यह प्लस माइनस भी कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये दूसरा एक और नाम है इसका। अच्छा, तो फिजिक्स में इसको क्या कहते हैं, जो एटम होता है ना फिजिक्स में, एटम जो होता है, एटम के वो 3 पार्ट्स होते हैं, तो वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो ये एक ही चीज़ के असल में डिफरेंट नाम है, ये कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। अगर डेप्थ में जाके ना, ये सारी एक ही चीज़ है, इन सारी चीज़ों का आपस में ऐसे ये दोनों सब की जुड़ी हुई है, आगे से अलग अलग है, डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट नाम है। वेल, तो मेरे पास अभी क्या आ चुका है, मेरे पास अब हम क्योंकि कंप्यूटर साइंस में, तो हम इसको कंडक्टर इंसुलेटर नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 0-1। अच्छा, तो मैंने एक ट्रांजिस्टर लगाया, उसमें मैंने नीचे से इलेक्ट्रिसिटी दी उसको, और उसको मैं वन कर दिया मैंने। अच्छा, ये तो एक डबल रोटी का डेटा सेव हो गया कि डबल रोटी है या नहीं है, और उसको मैं हाथ से चेंज कर देता हूँ डेटा को, ताकि जो भी आए उसको पता चले। या बल्कि और आसान एग्जांपल, कि वॉशरूम में पानी नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ कि भाई अगर वॉशरूम में पानी नहीं है तो ये वन हुआ हुआ होगा, और जैसे ही पानी खत्म हो उसको वन करके चला जाए, मे बी ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन हो रहा है भाई, बत्ती जल जाती है ना बाहर रेड कलर की, तो एक एक मैंने, ये एक है मेरे पास लेकिन अभी। अच्छा, अब इमेजिन करो अगर मेरे पास ये दो हो, तो अगर मेरे पास ये दो हो, तो मैंने दो ट्रांजिस्टर लगाए हुए अपने बेडरूम में, अच्छा दोनों को इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है, मेरी मर्ज़ी से मैं ख़ास अंदाज से इलेक्ट्रिसिटी देता हूँ तो ऑन होता है, और ख़ास तरीके से देता हूँ तो ऑफ़ होता है। तो मैंने एक को ऑन किया ऑफ़ किया, या दूसरे को ऑन किया ऑफ़ किया, ये मेरे इख्तियार में है,
तो मैंने एक पे लगाया था डबल रोटी, दूसरे पे मैंने लगा दिया मक्खन ब्रेड बटर कि अगर दो, अब मैं थोड़ा सा रूल चेंज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार दो, अब है पे वन है ये, वो तो मेरी मर्जी ना, मैं जो भी अपने हिसाब से लगा लूँ। तो मैंने कहा दोनों अगर वन वन है ना तो इसका मतलब है मक्खन भी है डबल रोटी भी है, और पहला वाला डबल रोटी है दूसरा वाला मक्खन है, ऐसे मैंने अंदाजा लगा लिया। तो अब ये दोनों वन वन है तो मतलब मामला ओके हैं, अगर दोनों जीरो हैं तो उसका मतलब है सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो ये मैंने एक लगा लिया। अच्छा अब मेरे पास तीन हो अगर तो मैं तीन चीज़ों पर लगा लूँगा, चार हो तो मैं चार चीज़ों पर लगा लूँगा। अच्छा लेकिन अब मुझे एक एक दूसरा यू, अब मैं क्योंकि ह्यूमन हूँ ना, मैं तो तरक्की करता हूँ एज अ ह्यूमन, मैं तो मतलब एक चीज़ हो गया तो अब अगले की तरफ नज़र होती है मेरी। तो अब मेरा अब यूज़ केस अब ये चाहिए मुझे कि मुझे जो है ना क्या कहते हैं, मुझे अब उसमें एक नंबर सेव कराना है। मिसाल के तौर पे ये अंडर डबल रोटी ख़त्म, अब ख़त्म, अब मैंने ये सेव कराना है इनके अंदर, इन जीरो वन के अंदर या ऑन ऑफ के अंदर, कि मेरे फ्रिज में इस वक्त कितने अंडे हैं, मैंने ये सेव कराना है। अब मेरे पास है मिसाल के तौर पे 6 अंडे ला के मैंने रखे उसमें, अब जब जब मैं एक एक अंडा यूज़ करूँगा तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे 6 चाहिए ऑन ऑफ वाला, है ना, 6 ऑन ऑफ वाला चाहिए। तो मैं जब 6 अंडे होंगे तो मैं 6 के 6 ऑन कर दूँगा, है ना। अच्छा एक अंडा मैंने यूज़ किया तो एक को ऑफ़ कर दिया, फिर दूसरा यूज़ किया दूसरे को ऑफ़ कर दिया, कैसा मज़े का चल रहा है, ज़बरदस्त डेटा मेरा स्टोर होना शुरू हो गया। लेकिन ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, डेटा मेरा स्टोर होना शुरू हो गया। अच्छा इतना डेटा तो मैंने कर लिया स्टोर, अब मैंने बोला यार एक काम और करते हैं, अब अगला काम मुझे ये करना है कि मुझे ना ये उसमें डिस्प्ले करवाना है कि मेरे टैंक में ना इस वक्त कितने लीटर पानी है। नीचे मुझे पता है मेरा टैंक जब फुल होता है तो 3000 लीटर पानी आता है उसमें, ग्राउंड टैंक आमतौर पे 3000 लीटर का बनाया जाता है एक नॉर्मली। वैसे तो पूरी दुनिया में ग्राउंड टैंक बाय द वे बनते नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे यहाँ बनते हैं। हाँ हाँ ये हमारे यहाँ सिर्फ बनते हैं भाई, और कहीं नहीं बनते ये। मतलब हमारे यहाँ का मतलब है कि इंडिया पाकिस्तान और ये हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात हो रही है, ठीक है। इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड ही है, नहीं है सेकंड वर्ल्ड, कैसे है थर्ड वर्ल्ड बाय द वे किसको कहते हैं, जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर में ना जो भी आखिरी वर्ल्ड वॉर हुई है एक तो उसमें जीतने वाला बंदा है वो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, जो उसमें हारने वाला है वो अपने आप को सेकंड वर्ल्ड कहते हैं, और जिसने उसमें पार्ट नहीं लिया था उसको थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। ये डेफिनेशन है प्रॉपर, इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे तो ये डेफिनेशन मिलेगी। अच्छा तो फर्स्ट वर्ल्ड तो अमेरिका कहता है अपने आप को, है ना। अच्छा और दूसरा जो दूसरी साइड जो थी जर्मनी फ्रांस फ्रांस वाली साइड, वो भी अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों मानने को तैयार नहीं है कि जीता कौन था या हारा कौन था। एक ये कहते हैं हम जीत गए, वो कहते हैं हम जीत गए, ठीक है। तो ये तो फैसला अभी तक नहीं हुआ कि वो जर्मनी वाले कहते हैं कि यार हम पहले जीते हैं ये बाद में जीते हैं। तो ये भी एक कॉमेडी है। अच्छा तो हम इंडिया वगैरह पाकिस्तान ये सब लोग जिन्होंने उसमें पार्ट नहीं लिया था तो हम सब लोगों को थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। लेकिन थर्ड वर्ल्ड को जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है तो मतलब वो बिल्कुल ही कोई यानी गैर तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर देखा जाता है, फिर फर्स्ट वर्ल्ड में आ जाएगा बस। नहीं तो मगर वो हाँ नहीं मगर वो अभी पता है क्या, अमेरिका वाले कहते हैं कि हम फर्स्ट वर्ल्ड हैं, जर्मन वाले सेकंड वर्ल्ड हैं, वो हारे हैं। और जर्मन वाले कहते हैं नहीं हम फर्स्ट वर्ल्ड हैं, ये सेकंड वर्ल्ड है, ये हारे हैं, हम जीते हैं। तो दोनों एक दूसरे को फर्स्ट सेकंड चला रहे हैं। तो हाँ थर्ड वर्ल्ड बात पूरी दुनिया उस पर मुत्तफिक है, थर्ड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड होने पर ना मुत्तफिक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड में ज़रूरी नहीं हम दाखिल हो जाएँ, हो सकता है हम भी फर्स्ट सेकंड खेल रहे हो फिर किसी के साथ ना, जो भी उसमें सेकंड पार्टी होगी हम फर्स्ट सेकंड खेल रहे होंगे फिर उसके साथ। तो वो एक मुहावरा है ना कि वो जंग आप कभी ना जीत नहीं सकते, ठीक है। जंग असल में शुरू होने से पहले जीत ली जाती है, लेकिन जंग को जीतने का बेहतर तरीका, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जंग शुरू ही ना हो। जंग जीतने का सबसे बेस्ट तरीका, जंग जीत नहीं सकते आप। जंग देखो मिसाल के तौर पर
मैं भी खड़ा हूँ, मेरे पास भी गन है, सामने खड़ा हुआ उसके पास भी गन है। अब मैंने उसको दो चार गोलियां मारी, एकदम एक सेकंड में तो नहीं मर जाएगा ना वो, दो चार मिनट तो उसको भी मिलेंगे ना। उसने भी एक हाथ मार दी गोली और मेरे भी लग गई, तो इसमें जीता कौन? जब दोनों ही एक दूसरे की गोलियां खा के बैठ गए तो जीतने का, तो जीते का तो जब ना कि जब बिल्कुल सेट हो, तो दोनों ने गोलियां खाई हैं तो फिर जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोनों हारे हैं, फर्स्ट और सेकंड जो कहते हैं ना अपने आप को, मेरे हिसाब से वो दोनों हारे हुए हैं, हम फर्स्ट वर्ल्ड में, ठीक है, क्योंकि हमने पार्ट नहीं लिया है ना यार। मतलब बेवकूफ़ी की बात है कि जंग लड़े थे और एक दूसरे के बंदे मार दिए और फिर कहते हैं हम जीत गए, यार ये कौन सी जीत होगी? तो वेल, तो ये वो असल बात मैं भूल गया कि क्या कह रहा था। हाँ, पूरी दुनिया में मैं कह रहा था टैंक नहीं बनते हमारे यहाँ बनते हैं सिर्फ। बाय द वे पूरी दुनिया में होता क्या है वो भी सुन लो। वो एक टाउन में या शहर, कुछ शहर तो बहुत छोटे होते हैं, हमारे यहाँ जितने बड़े शहर हैं ना, इतने बड़े शहर आमतौर पर बहुत रेयर है। कराची जितना बड़ा शहर रेयर है मार्केट में, इतने बड़े नहीं होते शहर, शहर 4-5 किलोमीटर के होते हैं। हाँ, आमतौर पर पूरी दुनिया के अंदर जो शहर होते हैं ना वो 4-5 किलोमीटर के होते हैं बस। हाँ, 4-5 किलोमीटर का रेडियस होता है या 10 किलोमीटर का रेडियस होगा, इससे बड़े नहीं होते शहर आमतौर पर। तो वो शहर के बीच में ना, हाँ नहीं मतलब लिटरली बता रहा हूँ, देखोगे तो न्यूयॉर्क वगैरह और ये बड़े बड़े शहर हैं ना दुनिया के, आप देखोगे ये 5-10 किलोमीटर का रेडियस होता है। हमारा तो पता नहीं 40-50 किलोमीटर का रेडियस है ना यार। अगर आप इधर टूल से शुरू करो और क्लिफ्टन तक जाओ तो पता नहीं 45-50 किलोमीटर है सीधे, फिर अभी तो उधर तक जा रहा है। अगर इधर औरंगी बल्दिया से अगर कैलकुलेट मारो और इधर एयरपोर्ट तक, तो ये भी कोई पता नहीं 30-35 किलोमीटर बन जाते हैं। तो इनका तो बस ये है कि नागन से नीपा है, ख़त्म इनका ये होता है। तो शहर के बीचों बीच या टाउन के बीचों बीच एक वो बना देते हैं टावर टंकी, देखी होगी आपने वो, हमारे यहाँ भी कुछ इदारों में बनी हुई होती है, वो इदारे अपने लिए बनाते हैं इस्तेमाल के लिए, हॉस्पिटल्स वगैरह में आपने देखा होगा है ना। हाँ, वो एक्चुअली वही होता है, वही होता है, गोल टैंकी जो ऊपर बनी हुई है ना पहाड़ के ऊपर, वही होती है। तो वो आपने देखा होगा यहाँ पे जो फौजियों के कैंप वैम्प होते हैं, जो बेस कैंप, उसके अंदर भी वो नज़र आता है, हॉस्पिटल्स में अक्सर नज़र आता है, जो बड़े हॉस्पिटल हैं उन्होंने एक वो टावर से ऊपर बनाया हुआ होता है, पिलर लंबा सा, ऊपर टैंक होता है। तो बस शहर के बीचों बीच वो होता है और उससे डायरेक्ट पानी आता है घर के अंदर, नलका खोलते हैं नलके में आता है। तो मैंने तो जब पहली दफ़ा देखा तो मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी, तो मैंने कहा कि यार मिसाल के तौर पर कभी अगर पानी ख़त्म हो गया उधर और नहीं आया तो उसने कहा हम फ़ोन करके कंप्लेन करते हैं, आ जाता है फिर, समझ रहे हो? तो ये चल रहा है भाई सब जगह, या हमारा वाला सीन नहीं चल रहा। आप इमेजिन तो करें, एक बंदा जब टैंक बनाता है नीचे तो 40-50 हज़ार रुपये लगते हैं टैंक सिर्फ, मतलब उसको खोद वोद के सरिया वरिया डालने में 40-50 हज़ार अंदर हो जाता है। और अगर पूरा प्रॉपर बनाए ना, जो RCC वाला जो बनता है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो टंकी है, तो उसमें तो 2 लाख रुपये लगते हैं। तो अब डिपेंडिंग ऑन कि कितनी बड़ी बना रहे हैं, बिल्डिंग के हिसाब से फिर टैंक होता है, फिर बड़ा बनाना पड़ता है, फिर तो भाई 2 लाख का केस है ये। अब 2-2 लाख करके आप लगा लो, एक मोहल्ले में अगर 1 लाख घर है तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, अरबों रुपए में फिगर आ जाएगा। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं, वो अपने अरबों रुपए उन्होंने बचाए हैं इस तरह करके। हमारे यहाँ बस टैंकर माफिया चल रहा है भाई, नहीं चलता, सही है, यही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यही हाल है। पब्लिक पूरी दुनिया के अंदर लोग अपनी गाड़ी बहुत कम लोग रखते हैं, ठीक है, और एक तो गवर्नमेंट ने टैक्स इतना लगाया हुआ होता है, वो हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो फ्री हैं गाड़ियाँ, बस जाओ जो भी बैंक से चुप करके लेके घर आ जाओ, इस तरह थोड़ी होता है। लाइसेंसिंग का कोई सीन ही नहीं है, बगैर लाइसेंस के सब घूम रहे हैं। पूरी दुनिया में लाइसेंसिंग भी बड़ी मुश्किल है, और उसका मेन रीज़न ये है कि हर बंदा अपनी गाड़ी ना रखे, अवॉइड करे, वो इतने एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं, इतने ओवरहेड लगा देते हैं, बंदा तंग आ जाए कि नहीं यार अपनी गाड़ी नहीं रखनी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चलते हैं। एक अभी इस वक्त कराची के अंदर एक दिन में आपने गाड़ी निकाली ना घर से, अगर 1300 cc गाड़ी, जो बिल्कुल छोटी वाली 1300 या 1000 cc, तो उसका मतलब है 1000 रुपये का फ्यूल खर्च किए बगैर आप वापस घर में नहीं घुस सकते, पॉसिबल नहीं है ये। 4 लीटर तो जलेगा ना यार कहीं भी निकलोगे तो, 5 किलोमीटर तो जाओगे ना, तो बस 4 लीटर फ्यूल आता है 1000 रुपये में भी। तो 1000 रुपये को मल्टीप्लाई कर लो, कराची की आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि 20% लोगों के पास अपनी अगर गाड़ी है तो 20 लाख लोग बनते हैं, 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 1000 डेली का, महीने के कितने बनेंगे और फिर साल के कितने बनेंगे, अरबों रुपए का फिगर है ये भी, यानी महाना अरबों रुपए का फिगर है ये, महाना अरबों रुपए का पेट्रोल हम जला रहे हैं। और आप अभी निकलेंगे ना 5 बजे का जो टाइम होता है ट्रैफिक का, आप बस रोड के साइड पर खड़ोगे, आप गाड़ियों को नोट करें,
जो कार और जो गाड़ियाँ वो जा रही होती हैं, ज़्यादातर गाड़ियों में ना अकेला बंदा बैठा हुआ होता है, चार बंदों की कैपेसिटी में अकेला बंदा बैठा हुआ होता है, फ्यूल तो उतना ही लगना है मोर और लेस, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है अगर बंदे कम हो तो, लेकिन मोर और लेस वही होता है ऑलमोस्ट तो वो तो वो भाई दुनिया भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसीलिए चलती है कि यार सारे लोग भर के ना एक ही बड़े से बस में तो वो चले जाए, तो बड़ा पैसा बचता है गवर्नमेंट का इससे, इकोनॉमी में बड़ा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। वेल हमारे यहाँ ये सोचने का टाइम नहीं है किसी के पास, सब लोग अपनी अपनी में लगे हुए हैं, तो क्या कहते हैं यहाँ लंदन यार, हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने देखा नहीं है ये सब कुछ। चलो हमारे यहाँ जो आप लोग बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप तो बहुत सारे लोगों के पास के लिए हो सकता है ये नई बात हो बिल्कुल, कि यार आपने तो देखा नहीं है, आप तो यहीं कराची में पैदा हुए, कराची में पले बड़े, भाई ये तो मगर रहते हैं ना जाके उधर, नवाज शरीफ का तो घर है लंदन में, तो और जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं ये तो महीना महीना दो दो महीने जाके उधर स्टे करते हैं, तो इन्होंने देखा नहीं है क्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, बिल्कुल सीधे रहते हैं अलिफ की तरह ये, तो वहाँ की जब ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी भी हैं ये भाई, ये मैं जो मुझे जब ये बात समझ आ रही है ना, तो ये उनको मुझसे ज़्यादा समझ आ रही है, क्योंकि मैं तो इतने दिन नहीं रहा जितने दिन वो रहते हैं, और उनके लिए तो कोई इशू भी नहीं है जाना आना कुछ भी, हम तो कभी किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में चले गए तो चले गए, वरना वो तो उधर रहते हैं जाके, उनके तो बच्चे पढ़ते वहाँ हैं, तो क्या बच्चों से फ़ोन पर बात होती है, वो नहीं कभी जिक्र करते कि यार उनकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, तो मगर उनको ना इन चीज़ों में इंटरेस्ट है नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको, सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि बस यहाँ से पैसे खींचते रहें और फिर वहाँ जाके इंटरटेन करें अपने आप को, बस इंटरटेनमेंट में जी रहे हैं वहाँ पे, ये बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। अच्छा तो खैर मुझे वापस आ जाते हैं अपने ट्रांजिस्टर पे, हाँ तो मुझे अब ये स्टोर करवाना है उसके अंदर कि मेरी टैंकी में कितने लीटर पानी है, तो जब फुल होगी तो 3000 लीटर होगा। अच्छा तो अब ये 3000 का नंबर मैंने इसमें सेव करवाना है, अब मैं क्या करूँगा, 3000 ट्रांजिस्टर मुझे चाहिए होंगे, मगर ये तो वायबल तो नहीं है, अब 3000 ट्रांजिस्टर अगर मैंने कमरे में सजा दिए तो मैं कहाँ सोऊंगा फिर पूरे कमरे में ट्रांजिस्टर ही भर जाएंगे फिर तो, अब बताओ अच्छी बात की इन्होंने कहा कि मे बी हम क्या करेंगे कि 3000 लीटर को हम डिवाइड कर लेंगे, हम यूनिट बना देंगे कि एक यूनिट 20 लीटर का है, तो 20 लीटर जब निकलेगा तो एक यूनिट, तो 20 से डिवाइड अगर करते हैं फिर भी बड़ा नंबर आएगा ना यार, 3000 को अगर 20 से भी डिवाइड कर दें तो ये भी फिर भी बड़ा नंबर है, 100 लीटर का यूनिट करना पड़ेगा फिर मुझे, तो ये तो मसला है फिर बड़ा। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी हम हिस्ट्री में एक पॉइंट ऑफ टाइम से चले थे और एक हम दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंच गए, इस पॉइंट पे मैथमेटिशियंस को ये टास्क दिया गया कि उन्होंने एक ऐसा नंबर सिस्टम बनाना है जिसमें सिर्फ दो यूनिक सिंबल होते हों, यानी कि 0 और 1, सही है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम जो बना हुआ है ना, ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे हम अभी पहुंच चुके हैं, मैथमेटिशियंस को ये टास्क दिया गया था कि भाई ये इस तरह की कोई चीज़ बनानी है 0 और 1 जिसके अंदर हो सिर्फ। अच्छा तो क्या 3000 मैं बाइनरी में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि उस वक्त के साइंटिस्ट ने क्या बना के पेश किया, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार आपका ये एक ट्रांजिस्टर ये हो गया है ना, एक ये हो गया ट्रांजिस्टर आपका, अच्छा इसको आप क्या करो, इसको ना हर 8-10 ट्रांजिस्टर है इसको आप वैल्यू दे दो कुछ ना कुछ, सही है। तो कितने हो गए ये हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 बना दिए मैंने लास्ट। उन्होंने कहा यार एक काम करो, इसको आप वैल्यू दे दो 1, इसको आप वैल्यू दे दो 2, इसको आप वैल्यू दे दो 3, इसको आप वैल्यू दे दो, सॉरी 3 नहीं 4, इसको आप दे दो 8, यहाँ पे अब 16 आ जाएगा,
सही है। उन्होंने कहा यार ऐसे कर लो, हर ट्रांजिस्टर को ना कोई वैल्यू दे दो। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर आपने एक वैल्यू सेव करवानी है 34, एक वैल्यू सेव करानी है, तो अब इसमें से ना कुछ नंबरों को ऑन कर दो, कुछ को ऑफ कर दो, और ऐसी सेटिंग से करो कि वो अगर सम करें ना तो 34 आ जाए। सही है, तो हम क्या करेंगे, या तो मुझे 34 मिल जाए इसमें, या तो 34 ही ऑन कर दूंगा, बाकी सबको ऑफ कर दूंगा। तो एक इसको मैं ऑन कर दूंगा और एक 2 को मैं ऑन कर दूंगा, तो ये हो गया, बाकी सब ऑफ है, ये तो सही हो गया। अच्छा, अब मुझे इसके अंदर एक वैल्यू सेव करानी है, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ के 12, तो फिर मैं क्या करूँगा, या तो 12 मिल जाए या तो कम मिल जाए 12 से, तो 8 को मैंने ऑन कर दिया और 8 और 4 12 हो गया, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। जीरो वाले में मैं जीरो लिख नहीं रहा, लेकिन वो सब जीरो हो जाएंगे, इमेजिन कर लो। तो अच्छा, इसी तरीके से अब मैं एक यहाँ पे नंबर लिखता हूँ बाइनरी में। बाइनरी में नंबर ये है कि 0 0 1 1 0 1 1 0 54। देखो यार कैसे जल्दी से कैलकुलेट किया तुम लोगों ने, है ना। 32 मुझे भी नहीं पता, मैं भी ये रैंडम ही लिख रहा हूँ, कैलकुलेट करने दो मुझे भी। 32 प्लस 16 48 और 4 52 और 1। यार मुझे भाई कैलकुलेटर खोलना दो, मुझे कैलकुलेटर से समझ आता है। 32 प्लस 16 तो ये 48 हो गया। हाँ सही है, तो इन दोनों का 48 हो गया और प्लस 6 54 हो गया, तो सही है, बिल्कुल सही कैलकुलेट किया आप लोगों ने। अच्छा, तो ये एक लिखा हुआ बाइनरी जो है उसको बहुत ईजिली, अच्छा मैंने कहा था कि ये वाला आप खुद कैलकुलेट करेंगे, अब ये वाला कैलकुलेट करो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है क्या है ये। अच्छा, सबसे पहला ये 128, बाकी जीरो वाले को हम काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद है 32, ये वाला 32 है, तो 128 और 32 नहीं, वो तो आप कैलकुलेट करेंगे ना, आप लोग पहले मुझे एक आंसर तो बताओ फिर। 180 कर लिया कैलकुलेटर, अच्छा गुड यार, अच्छा मैं कैलकुलेटर से करूँगा। अच्छा, तो 128 और 32 16 8, 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 184, यही किया था आप लोगों ने कैलकुलेट, बिल्कुल सही किया था। अच्छा, 182 आ रहा है तुम लोगों के पास, भाई देखो पहला 128 है ना, सही है, तो पहला 128 हो गया प्लस दूसरा जो है वो 64 छोड़ के 32 है, तो 32 हो गया प्लस 16 प्लस 8 184, नहीं 16 के बाद 8 है ना, देखो ना ये तीनों लाइंस हैं ना भाई, 128 64 32, ये 32 है ना, ये वाला 32 का आधा 16 और 8, ये सीक्वेंस है ना तीनों, तो 32 16 और 8 है, ये वाला तीनों जो है ना, ये 32 16 और 8 है, ये वाला है 32 16 और 8 इसकी वैल्यू है इन तीनों की, समझ रहे हो। तो जो 184 जिन लोगों ने बताया था तो वो सही बताया था पहले भी, कितने लोगों ने 184 पहले शुरू में सही बताया था, गुड यार, वेल डन। अच्छा, तो अभी तो सभी को पता चल गया, खैर अभी तो आप सब लोगों को पता चल गया ना कि क्या चक्कर है ये बाइनरी का, बाइनरी बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक नया नंबर दूंगा, तो ये वाले तो लिख दिया है, इसके ऊपर ही लिख देते हैं ना, इसके ऊपर ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक नंबर लिखना है, दैट इज 233। अबे यहाँ पे बताओ ना, वहाँ कहाँ देख रहे हो, 233 जो है, या तो 233 इसमें हो, या तो उससे कम कोई मिल जाए, है ना, यही होगा ना, तो 128 उससे कम है, ये ऑन हो गया। अब बचा कितना बाकी, मुझे लिखना है 233, तो 233 में से 128 तो लिख दिया मैंने, 233 माइनस 128 तो निकाल दिया, बचा 105,
अब 105 भी नहीं है इसके अंदर, तो 64 है, 64 105 में से 64 निकल गया, 105 माइनस 64 तो 41 रह गया। अच्छा अब 42 में से ये 32 हो गया, अब कितना रह गया, 8 बचा और 1 बचा, हो गया। अब इसको दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो ये वही आना चाहिए, 233 आना चाहिए, है ना। अच्छा तो क्या मैं दोबारा कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से आके, के 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 1, 233 तो है, सही तो है। अभी 8 डिजिट से ऊपर जाते हैं, अभी जाते हैं। अच्छा अब मुझे ये बताओ कोई सोच के आप में से, कि मेरे पास ये 8 बिस्किट हैं, इसमें मैक्सिमम में कितना बड़ा नंबर स्टोर करवा, जाहिर है कि लिमिट तो होगी ना कोई। एक दोस्त ने कहा 255, हाँ भाई 512, 255, अच्छा आपने भी सेम बात की, और कौन बताएगा, मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो किसी ने नहीं बोला, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो अभी तक किसी ने बोला नहीं है। मैं ये सवाल मेरा ये है कि इस 8 बिस्किटों के अंदर मैं कितना बड़ा नंबर स्टोर करवा सकता हूँ। मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो अभी तक किसी ने नहीं बोला। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर करेक्ट आंसर। नहीं, बात सब लोगों ने सही कर दी है, होगा तो इतना ही, लेकिन मैं कुछ और सुनना चाह रहा हूँ। अब इसको गौर से देखो और बताओ मैं क्या सुनना चाह रहा हूँ, बोलो। हाँ 18, ये मैं सुनना चाह रहा था कि देखो मैक्सिमम, तुम क्या कह रहे थे, तुम भी बोलो। हाँ अभी हम उस पर आते हैं। अच्छा तो ये दोस्त क्या नाम है आपका, मोहम्मद खुबैब, इन्होंने बहुत सही बात कर दी है। मैं ये सुनना चाह रहा था कि देखो 8 बिस्किट है ना, तो मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी है कि सबको वन कर दूंगा, यही है ना मैक्सिमम। अच्छा तो सबको वन करके हम देख लेते हैं कि क्या आता है आंसर, ठीक है। तो 255 आंसर सब लोगों ने सही दिया था, सबसे पहले आपने आंसर सही दिया था, क्या नाम है आपका, हसन भाई ने सबसे पहले सही आंसर दिया था, और भी बाकी लोगों ने सही बात की है, 255 होगा वो तो कैलकुलेट मारेंगे तो, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के सबको मैं वन कर दूंगा, ठीक है। तो ये सबको कैलकुलेट करके वन करके ना ये 255 तक आएगा। अच्छा मिनिमम कितना बड़ा नंबर स्टोर करवा सकता हूँ, मैक्सिमम तो हो गया, सारे जीरो कर दूंगा, है ना। मिनिमम ये कि सारे जीरो कर दूंगा तो कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है। पहला जो था बिस्किट वो वन था ना, सब जीरो हो जाएंगे, वन भी जीरो हो जाएगा, सारे जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि जीरो। तो इस 8 बिस्किट के अंदर अभी हमारी करंट अप्रोच के हिसाब से हम मिनिमम जीरो स्टोर करवा सकते हैं और मैक्सिमम 255 स्टोर करवा सकते हैं। तो ये टोटल कितने नंबर हो गए, 256 हो गए, क्योंकि जीरो से अगर हम शुरू करें और 1 2 3 करके 255 तक जब हम पहुंचेंगे तो टोटल ये 256 होंगे असल में, ठीक है। तो 256 नंबर इसमें स्टोर हो सकते हैं जीरो से लेकर 255 तक। अब कौन मुझे ये सोच के बताएगा कि अगर मुझे इससे बड़ा नंबर स्टोर करवाना है तो मैं क्या करूँगा। और बिस्किट ऐड करूंगा इसमें, यानी कि और ट्रांजिस्टर ऐड करूंगा। तो मैंने यहां पे से क्या किया कि 8 जो ट्रांजिस्टर थे ना वो और ले लिए मैंने, भाई ये इसका वो नहीं काम कर रहा सिलेक्शन, खैर सिलेक्शन इसका काम नहीं कर रहा, नो प्रॉब्लम। अब इमेजिन कर लेते हैं हम कि ये जो बिस्किट है ना इस वक्त यहाँ पे, ये 8 मैंने 8 और ले लिए इधर, 16 हो गया बिस्किट। तो अब इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी इन 16 बिस्किट्स की, अब 128 से आगे बढ़ेंगे हम तो अगली बिस्किट जो होगी हमारी वो 256 हो जाएगा, सही है, 128 का डबल 256 होता है, तो ये 256 हो जाएगा।
फिर उसके बाद हो जाएगा 512, सही है, एंड सो ऑन। तो अब मुझे कौन ये बताएगा कि मैं आर्ट बिस्किट में, ये मेरा जो आर्ट बिस्किट है इसके अंदर मैं स्टोर करवाता हूँ 255 तक के नंबर, जीरो से लेके। तो अब 16 बिस्किट हो जाएंगी तो मैं कितना बड़ा नंबर स्टोर करवा पाऊँगा उसके अंदर, 65536, इतना बड़ा नंबर इसमें स्टोर हो जाएगा। बहुत सही बताया दोस्त ने। कौन मुझे ये बताएगा कि अगर मैं 8 और 8 16 को डबल कर दूँ, 32 कर दूँ, अगर 32 ट्रांजिस्टर हो तो कितना बड़ा नंबर स्टोर हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ 16 बिस्किट जो थी, 16 ट्रांजिस्टर जो थे उसमें 0 से 255 तक होता था। 16 को मैंने कर दिया, सॉरी 8 में 255 तक होता था, 8 को मैंने कर दिया 16। तो दोस्त ने बताया कि 16 ट्रांजिस्टर में 65,000 तक नंबर आ जाएगा, ठीक है, पहले 255 की जगह 65,000 तक, बिल्कुल सही बताया। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको भी डबल कर रहा हूँ, जो ये 16 को मैं 32 कर रहा हूँ, तो 32 में क्या लगता है आपको कितना बड़ा नंबर स्टोर हो जाएगा? 4 अरब तक पहुंच जाएगी वैल्यू, बिल्कुल सही बताया यार। तो ये अरबों में वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो मेरा ख्याल है अब ये इनफ है 3000 लीटर स्टोर कराने के लिए है ना, अब इनफ है ये। अच्छा, तो अब मैं आपको टर्मिनोलॉजीज बताता हूँ जो कंप्यूटर साइंस में इसके लिए बोली जाती है। अभी तक तो ये समझाने के लिए बात हो रही थी ना यार, उसका कुछ फॉर्मूला होता है कि भेज दे तो अब वो, हाँ वो कोई मैथ वैथ का फॉर्मूला है, तुम टेंशन नहीं लो, वो गूगल कर लेना तुम उसको, सही है। तो वेल अच्छा, तो अब मैं आपको टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ। अभी तक तो वो समझाने के लिए बात कर रहा था ना मैं कि ये एक ट्रांजिस्टर है और 8 ट्रांजिस्टर है और ये वो है। तो ये एक ट्रांजिस्टर जो है ना जिसको मैं कह रहा हूँ, इसको कंप्यूटर साइंस में कहते हैं एक बिट, 1 बिट, सही है। ये जो एक, ये जो 8 0 1 से लेके जो 8 तक ये 8 ट्रांजिस्टर मिला के ना, इसको कहते हैं एक बाइट, सही है। तो अब हम इसको ऐसे बोलेंगे कि एक बाइट में कितना बड़ा नंबर स्टोर होता है, 0 से लेके 255 तक एक बाइट में ये नंबर स्टोर हो सकता है। 2 बाइट में 65,535 तक चला जाए, यानी वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है। तो 2 बाइट में 65,000 तक चला जाता है, और जब 4 बाइट में हमने किया तो दोस्त ने कैलकुलेट करके बताया कि वो 4 अरब तक कहीं चला जाता है नंबर, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में जो नंबर का वेरिएबल है, कोई ये बता सकता है कि वो कितने बाइट का या कितने बिट का वेरिएबल है? अच्छा, मैं 1 बाइट का बोलूँ या 8 बाइट का, या 2 बाइट बोलूँ या 16 बिट बोलूँ, एक ही बात है ना। तो वो बिट में कहीं लिखा हुआ मिलेगा, कहीं बाइट में लिखा हुआ मिलेगा। तो कोई मुझे क्या ये बता पाएगा कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो नंबर टाइप का जो वेरिएबल है वो कितने बिट का या बाइट का होता है? मेरा असल में सवाल ये है कि उसमें मैं 0 से लेकर कितने बड़ा तक का नंबर स्टोर करवा लूँगा, असल तो सवाल ये है ना कि कितने बाइट का है, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। हाँ भाई, 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, सही है, 64 बिट का है। 64 बिट का मतलब है कितने बाइट हो गए, 64 बिट को बाइट में कन्वर्ट करो ना, 8 बिट का 1 बाइट होता है, 8 बाइट हो गए, वो 8 बाइट हो गए। तो हमारे एक में 255 तक, 2 बाइट में 65,000, 4 बाइट में अरबों तक चला जाता है, तो वो है 8। जावास्क्रिप्ट का जो नंबर वेरिएबल है वो 8 बाइट है, सही है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हुआ है कि हम जो चीज़ वेरिएबल में स्टोर करते हैं वो असल में कैसे स्टोर होती है अंदर कंप्यूटर के। अच्छा, तो इसको हम गुफ्तगु अपनी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, अभी काफ़ी कुछ रहता है इस डिस्कशन में। तो अभी नमाज का टाइम हो गया, आप सब लोग नमाज़ पढ़ के वापस आएँ, फिर उसको यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, सही है। अभी तक जो बात हमने की है उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एक दो लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तुम क्या पूछ रहे थे कि रैम में कितना सेव होता है? तो
इन्होंने सवाल किया था कि वो सर आप कहते हैं रैम में सेव होता है, तो रैम में ये तो 64 बिट कैप्चर हो जाएगा। एक अगर नंबर का वेरिएबल बनाता हूँ ना जावास्क्रिप्ट में मैं, तो वो रैम जब वो प्रोग्राम चलेगा और जब तक वो चलता रहेगा प्रोग्राम, जब स्टॉप हो जाएगा मैं टैब बंद कर दूंगा जब ख़त्म, लेकिन जब तक वो चलता रहेगा वो रैम में अगर एक वेरिएबल बनाया हुआ तो 64 बिट की मेमोरी वो कैप्चर करेगा। दो वेरिएबल बना हुआ होगा तो डबल कर लो 64 64 करके, जितनी वेरिएबल बने होंगे उतनी वैल्यू लेगा, सही है। और ये 64 बिट कहाँ से वो लेगा? रैम जो आपके पास 4GB की जो रैम है, तो 4GB रैम में कितने बिट होते हैं? 1024 बिट का बाइट का 1 KB होता है, और 1024 KB का 1 MB होता है, और 1024 MB का 1 GB होता है, और आपकी रैम है 4GB की, 4 GB, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा कि 4GB 2 बिट्स, तो आपके ना इतने बिट्स हैं आपके रैम के अंदर, तो अब ये इतने बिट्स के अंदर जो है ना जितना भी बनता है वो यार, एक तो ये एक्सपोनेंशियल में पता नहीं क्यों आ जाता है, एक तो पता नहीं है तो कैसे करेंगे यार डिजिटल स्टोरेज। खैर मेगाबिट में करते हैं, सही है, 32,000 MB है, सही है, 4GB के अंदर 32,000 MB होता है, और मेगाबिट अगर किलोबिट में करें तो ये एक्सपोनेंशियल में चला जाता है। खैर तो कुल मिला के बात ये है कि बहुत सारे बाइट हैं आपके रैम के अंदर, ठीक है, 4GB कैलकुलेट कर लेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बाइट, 23 बिलियन बिट बनते हैं 4GB रैम के अंदर, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितने सारे वेरिएबल बन सकते हैं। अच्छा अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जब आप पुराने ज़माने में हम CD लेकर आते थे ना, गेम की CD होती थी, अभी भी बल्कि उसके पीछे लिखा हुआ होता है कि इतने GB रैम होनी चाहिए जब ये चलेगा, उसका क्या मतलब है? अगर कोई कह रहा है कि 500 MB रैम के बगैर ही नहीं चलेगा, उसका क्या मतलब है? कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर इतने वेरिएबल उन्होंने बनाए हुए हैं कि 500 MB वो कैप्चर करता है एट अ टाइम, यही मतलब है ना। तो किसी भी सॉफ्टवेयर की जो रिसोर्स कंजम्पशन का अंदाज़ा जो आप लगाएंगे ना, वो इस चीज़ से लगाएंगे कि उसके अंदर कितने वेरिएबल बने हुए हैं, सही है, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएंगे। तो वो उन्होंने वो कैसे नंबर लिखा, जितने भी वेरिएबल बने हुए थे उस सॉफ्टवेयर के अंदर उन सबको कैलकुलेट मारा एट अ टाइम कितने वेरिएबल बनते हैं, और वो 500 MB एक फिगर बता दी कि यार इतना रैम होगा तो ये चलेगा, उसके बगैर नहीं चलेंगे, सही है। तो ये आपको समझ आ गया कि जितने वेरिएबल बनाते जाएंगे आप अपने सॉफ्टवेयर में, वो रैम में उतनी जगह वो लेता जाएगा एट अ टाइम। अच्छा अब अगली बात ये, यार बातें नहीं करो उधर, मैं उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, ठीक है, इस तरफ तवज्जो दो या खामोशी से बैठो। अच्छा क्या मैं बोलने लगा था, मैं भूल गया। हाँ अगली बात ये कि ये जितनी भी मैंने बातें अभी तक बताई हैं ये सारी थ्योरी है, सही है, ये सब कुछ थ्योरी है, प्रैक्टिकली इस है तो यही, एक्चुअली हो तो यही रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ना इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसा नहीं है एग्जैक्टली जैसा मैंने बताया, क्योंकि मैंने बिल्कुल आसान करके बताया है, और ये जो अप्रोच मैंने बताई है ना कि ये वाली अप्रोच, ये अप्रोच हुई थी ज़िंदगी में पहली बार जब ये बना था ये सिस्टम, तो जब हुई थी अप्रोच, अब ये अप्रोच इसका नेक्स्ट अपडेट आ चुकी है, तो ये थोड़ा इतना ईजी अब नहीं है, ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में माइनस वाले नंबर सेव हो जाते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होंगे, माइनस के हमने करके देखे हैं सेव, इसमें माइनस के नंबर कैसे सेव होंगे, इसमें तो नहीं होंगे, मिनिमम तो जीरो है इसमें। मैंने जब ही आपसे पूछा था कि मिनिमम कितना बड़ा नंबर स्टोर हो जाएगा इसमें, तो मिनिमम ये होगा कि मैं सबको जीरो कर दूंगा तो जीरो हो जाएगा। अब क्या करें। अच्छा एक और सवाल, जावास्क्रिप्ट के अंदर पॉइंट वाले नंबर स्टोर हो जाते हैं, इसमें कैसे होंगे, ये तो मैंने नहीं बताया है ना। तो अभी बहुत इसमें और भी आगे चीज़ बाकी है जो कि मैं अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पर, सही है। अच्छा तो ये आपको मैं टास्क दे रहा हूँ घर से कि आपने क्या करना है कि मेमोरी में जो इंटीजर नंबर है, जो बगैर पॉइंट वाले नंबर हैं,
तो वो तो आपने देख लिया कि कैसे सेव होते हैं। अच्छा माइनस का मैं बता देता हूँ, माइनस का क्या चक्कर है। माइनस का चक्कर ये होता है कि आमतौर पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो जो पता नहीं राइट मोस्ट या लेफ्ट मोस्ट का एक बिट वो रिजर्व हो जाता है कि वो साइन कैरी करता है वो, ठीक है, उसको साइन और अनसाइन नंबर कहते हैं, अगर किसी ने वर्ड सुना हो तो वो साइन और अनसाइन होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे दो बाइट है मेरे पास, अगर मेरे पास दो बाइट है ना, 8 और 8 16 है, तो दो बाइट में मैक्सिमम इस केस में कितने हो रहे हैं, 65,535। तो अब वो दो बाइट में से ना एक बिट रिजर्व हो जाएगा साइन के लिए, ये ऐसे करते हैं ज़्यादातर, और भी अप्रोच है इसकी वैसे। तो अब बचे कितने, 8 और 7 15 बिट बचे, 16 बिट की जगह दो बाइट के अंदर अब 16 बिट तो होते थे ना टोटल, तो एक हो गया रिजर्व, अब बचे कितने, 15। अब कितना बड़ा नंबर स्टोर होगा उसमें, एक बिट माइनस करके जो भी बनता है वही होगा, 32,000 समथिंग होगा, सही है, 32,000 समथिंग वो आ जाता है नंबर, ठीक है। तो माइनस 32,000 समथिंग से लेके पॉजिटिव 32,000 समथिंग तक अब ये नंबर स्टोर करेगा दो बाइट में, सही है, ये सीन हो गया। अच्छा तो वो बीच से आधा हो गया। अब एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, वो आपने करना है घर से जाके गूगल, आपने घर जाके क्या गूगल करना है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वेरिएबल के अंदर मेमोरी के अंदर कैसे सेव होते हैं, क्या अप्रोच होती है, और ये मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, ये आपने सबने गूगल करना है जाके। और इसके ऊपर आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एक बंदा जिसने सबसे अच्छी बनाई होगी ना प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे नहीं, किसी पे भी बना लेना, लिंक्डइन पे शेयर कर देना बना के, और उसमें मेरा नाम भी मेंशन कर देना कि सर ये रहा आपका असाइनमेंट, सही है। अच्छा जिसका सबसे अच्छा होगा वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चला के, ताकि बाकी लोगों को भी सेम पेज पे आ जाए, फिर उसमें मैं अपनी कोई बात ऐड करनी होगी तो वो भी कर दूंगा मैं। तो आपने प्रेजेंटेशन बनानी है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, इस पे आपने प्रेजेंटेशन बना के लानी है नेक्स्ट जो भी क्लास होगी आपकी उसमें, ठीक है, टेस्ट भी होगा आपका और ये भी आपने लाना है बना के। अच्छा ये बात चलो यहाँ पे हो गई, कंप्लीट हो गई, नंबर वाला मामला कंप्लीट हो गया। अब वेरिएबल के अंदर सिर्फ नंबर तो स्टोर नहीं होता। अच्छा एक उससे पहले लेकिन बात बताओ, एक तो नंबर टाइप का वेरिएबल हमने डिस्कस कर लिया, इमेजिन करो कि बूलियन टाइप का वेरिएबल है, वो मेमोरी में कितनी जगह लेना चाहिए उसको, इन थ्योरी कितने बाइट लेगा या कितने बिट लेगा, तो मेमोरी में जगह कितनी उसको चाहिए होगी, नहीं जैसे अभी नंबर तो 64 बिट ले रहा है वो, तो 64 बिट क्या उसको भी देना पड़ेगा, हमें कितना देना पड़ेगा, कितना साइज, मतलब कॉन्फिडेंटली बताओ ना यार, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, उतना सर्टेनिटी के साथ बताओ कि भाई इतना साइज मेमोरी में अगर इसको मिल जाए ना तो ये बूलियन वेरिएबल का काम हो जाएगा, जो बूलियन वेरिएबल में जो जो चीज़ें होती हैं वो हो जाएंगी। हाँ एक क्या, एक बिट, बिल्कुल सही बताया है ना, एक बिट चाहिए होगा सिर्फ, अगर सिर्फ एक ट्रांजिस्टर हो मेरे पास, वो मैंने शुरू में डिस्कस किया था ना कि डबल रोटी है तो 1 है, नहीं है तो 0 है, तो वो 1 0। तो बूलियन वेरिएबल को थ्योरेटिकली एक बिट चाहिए सिर्फ। अच्छा वो जावास्क्रिप्ट में प्रैक्टिकली, जैसे मैं बता रहा हूँ ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ सारी, मैं जावास्क्रिप्ट में प्रैक्टिकली वो लेता है 3 या 4 बिट, कुछ इंटरनल उनके मसले हैं, V8 इंजन जो गूगल ने बनाया ना तो उसके कुछ अपने मंजन है, वो 3 या 4 बिट लेता है, एक नहीं लेता वो, लेकिन थ्योरेटिकली चाहिए उसको सिर्फ एक बिट, एक से ज़्यादा नहीं चाहिए, सही है। अच्छा तो ये हमने बात कर ली कि भाई बूलियन। अच्छा अब जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल में सिर्फ नंबर तो स्टोर नहीं होते, अल्फाबेट हो जाता है, यानी कि स्ट्रिंग जिसको हम कहते हैं। कौन मुझे ये सोच के बताएगा, गौर से बिल्कुल सोच के, कि इस बिट के अंदर में, ये जो बिट्स मेरे सामने, जो ट्रांजिस्टर मेरे कमरे में सजे हुए हैं, जो इसके अंदर अगर मुझे टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करवानी है, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवानी है, तो क्या करूँगा। क्या
क्या ज़्यादा होती है इसके बाद आए समझ में। नहीं ए तो पहले ही आएगा ना, ए के बाद ही भी आएगा हमेशा, वो तो डिक्शनरी ऑर्डर तो हमने पढ़ा था, वो तो अलग चीज़ है ना, वो तो इसके ये पहले है, वो बाद उसके बाद होगा। नहीं अभी इमेजिन करो कोई अभी है ही नहीं कुछ, अभी बना है कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का एवोल्यूशन आप देख रहे हैं अपनी आंखों से होता हुआ, कि ये एक बंदे ने भाई सेमी कंडक्टर डिस्कवर किया, फिर उससे ये मैथमेटिशियंस को टास्क मिला, उन्होंने बाइनरी नंबर बना के बताया कि भाई ऐसे होगा ये दो यूनिक सिंबल वाला, फिर हमने उसमें से यार किया कि अच्छा यार अभी नंबर तो इसमें स्टोर हो गया, अच्छा फिर हमने कहा माइनस वाले कैसे होंगे, हमने कहा एक बिट को रिजर्व कर दो, जीरो है तो वो पॉजिटिव है, अगर वन है तो माइनस है, सही ऐसे कुछ कर दिया हमने सेटिंग। फिर हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी डिस्कस तो नहीं किया यहाँ, वो आप लोग करेंगे घर जाके, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी सेव करा लिए। तो ये कंप्यूटर का एवोल्यूशन आप अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं, है ना। अब आपने सोचना है, आप इमेजिन करें कि आप वो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जो कंप्यूटर बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, और आपने ये बताना है अब सोच के कि यार ये बिट है आपके पास, नंबर तो इसमें स्टोर हो गया, टेक्स्ट वैल्यू को कैसे स्टोर करें आप। क्या लगाया हुआ तुमने इसके ऊपर? मैं समझा पावर बैंक है। हाँ भाई बताओ, अल्फाबेट को नंबर असाइन कर दें अगर तो ये सही रहेगा, 1 2 3 करके नंबर असाइन कर दें। हाँ भाई और कोई? एक दोस्त ने कहा कि अल्फाबेट को हम नंबर असाइन कर देते हैं और नंबर ही स्टोर करवा देते हैं, अल्फाबेट को इटसेल्फ स्टोर नहीं कराते, ये आइडिया सही है या इसके बेहतर कोई आइडिया है किसी के पास? यही होगा, इसी तरह होना चाहिए। आपकी बात में वैसे तो समझ गया हूँ बेसिक आपने क्या बात की है, लेकिन अभी जो आपने कोई बात की वो मेरे समझ नहीं आई, जरा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। ए को हमने दे दिया देख के वन, ए की वैल्यू हमने असाइन कर दी वन, ये कह रहे हैं आप, और बी को जेड टू कर देंगे फिर, एंड सो ऑन। तो वन से लेके 27 तक आपने ए से जेड को हमने कर दिया, सही है। तो अब इसमें कैसे स्टोर करें? अब मिसाल के तौर पर मुझे पाकिस्तान लिखना है, अगर आपने जो बात बताई उसके अकॉर्डिंगली अब मुझे पाकिस्तान नहीं चलो इनजी लिखना है, INZI, चार कैरेक्टर सेव कराने, तो मैं कैसे सेव कराऊंगा? पहले किसको कन्वर्ट करेंगे? जो एम है, सबसे पहले एम है, तो एम का मेरे ख्याल है कितने बनता है, 12 या 13 नंबर बनता है, तो 12 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करके इसमें स्टोर करा दूंगा, सही है, आइडिया तो अच्छा है। हाँ भाई और किसी का कोई बेहतर आइडिया इससे? क्या बना हुआ है? ASCII कोड एक जो बना हुआ है चार्ट पहले से, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कर देते हैं। हाँ ये भी सही है आइडिया, अच्छा आइडिया। हाँ भाई और किसी का कोई आइडिया? बोलो कुछ बोलना चाह रहे हो? अच्छा ये मैं सवाल इसलिए पूछता हूँ ताकि क्लास में टू वे रहे, ये और कोई मकसद नहीं है इसका, वो तो जाहिर है आपको पता होता तो फिर आप आते क्या क्यों यहाँ पे हैं, तो वो तो ऑब्वियस बात है कि आपको नहीं पता है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ ना उसका एक रीज़न तो ये कि क्लास टू हो, आपको क्या समझ आया जाहिर है आपके ओपिनियन से वो पता चलेगा, जब आप सामने से ओपिनियन देंगे ना तो मुझे पता चलेगा कि आपने क्या समझाया अभी तक। फिर दूसरा ये कि अगर आप में कोई बैठा हुआ है जीनियस बंदा तो वो भी फिर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है ना उसको भी यार, कि वो भी तो सामने आए निकल के, ताकि उस पर हम कुछ एडिशनल जिम्मेदारियाँ डालें, उसको क्लास का ZR बना दें। सही बिल्कुल कैलकुलेट किया तुमने, इसने इंटरनेट पे जल्दी से किया कैलकुलेट कि पाकिस्तान बाइनरी में कैसे होगा, तो बिल्कुल सही बता दिया तुमने। बी जो है वो 112 है, स्मॉल लेटर का बी 112 है या कैपिटल लेटर का बी?
स्मॉल लेटर लिखा है तुमने पी, मेरा ख्याल है पी कैपिटल लिखोगे तो डिफरेंट आएगा नंबर, 100 से कम आएगा, 80 आएगा ना। वेल अच्छा, तो उस वक्त के साइंटिस्ट ने भी ना यही किया जो आप लोगों ने सजेस्ट किया कि हम क्या करते हैं कि भाई अल्फ़ाबेट तो इट्सेल्फ कोई चीज़ है नहीं ना, अल्फ़ाबेट तो जैसे एक पिक्चर है जो हमें नज़र आती है। अभी इस वक्त के कंप्यूटर में भी अल्फ़ाबेट जस्ट एक पिक्चर होती है, उस अल्फ़ाबेट के पीछे एक नंबर होता है। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिकन साइंटिस्ट ने ASCII बनाया, ASCII, सही है। ASCII इज़ नथिंग बट अ चार्ट, ये मैंने विकीपीडिया पे ना ASCII का ये चार्ट ओपन कर लिया। ये ना ASCII का चार्ट है पूरा। अच्छा ये वाला जो पार्ट है ना इसमें, ये 01 जो लिखा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ये डेसिमल है, ये हल्का जो हल्का ब्लू कलर का जो है, ठीक है। अच्छा ये इसका बाइनरी लिखा हुआ है इन्होंने वैसे ही, लेकिन बाइनरी से हमें लेना देना नहीं है, हम फिलहाल डेसिमल से समझ रहे हैं उसको। अच्छा तो आप देखेंगे कि इसमें 65 जहाँ पर होगा ना वहाँ पे कैपिटल लेटर का ए होगा। अरे ये क्या 65 तो आया ही नहीं इसमें। अच्छा वो उन्होंने असल में प्रिंटेबल और नॉन प्रिंटेबल का चार्ट अलग अलग किया हुआ है, तो वो 31 तक के जो कैरेक्टर हैं वो प्रिंटेबल नहीं है, ठीक है। वो स्पेस एंटर एस्केप का बटन और ये सब उसमें शामिल है, ये भी तो सारे कैरेक्टर्स हैं ना, तो प्रिंटेबल कैरेक्टर में अब आएगा यहाँ पे ये 65। तो कैपिटल लेटर का एज है ना वो 65, उसको कोड असाइन किया गया इस चार्ट के मुताबिक। अच्छा इस चार्ट में टोटल जो कैरेक्टर हैं वो कितने हैं, 255 कैरेक्टर हैं, सॉरी 255 नहीं है 127 है, 126 या 127 इस तरह कोई नंबर है इसके अंदर, सही है 127 है। तो कैपिटल लेटर का जो ए था उसको मिल गया नंबर 65, फिर 66 67 से लेके फिर ऑनवर्ड्स ये गया, जो कैपिटल लेटर का जो जेड था या जी था उसको 90 मिल गया। अच्छा फिर स्मॉल लेटर शुरू होगा 122 से, 122 से ही स्मॉल लेटर शुरू हो जाएगा, सॉरी 97 से शुरू हो गया और 122 पे ख़त्म हो जाएगा, ये जेड आ गया 122 पे। तो ये स्मॉल लेटर का ए से जेड तक और कैपिटल लेटर का ए से जेड तक ना तमाम के तमाम को एक नंबर असाइन कर दिया उस वक्त के साइंटिस्ट ने। ये ASCII का कैरेक्टर अभी नहीं बना कैरेक्टर सेट, ये इसको चार सेट बोलते हैं या इनकोडिंग बोलते हैं या जो भी इसका अलग अलग नाम है, लेकिन वो चीज़ एक ही है, ठीक है। तो कैरेक्टर सेट इसको कहते हैं ASCII उस ज़माने में इसका नाम ASCII रखा गया था और अभी इसको कैरेक्टर सेट बोलते हैं लेटेस्ट जुबान में। अच्छा अब इसके अंदर जो है वो 1 से लेकर 10 तक भी है। 48 का मतलब है कि न्यूमेरिक ज़ीरो, स्ट्रिंग में भी तो 1 2 3 लिखता है ना बंदा। मैंने लिखा भाई क्या कहते हैं सैलानी 1 2 3, अब वो 1 2 3 भी स्ट्रिंग है वो, तो स्ट्रिंग में 48 नंबर असाइन हुआ ज़ीरो को। और उस इसी तरह ऑनवर्ड्स 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक 57 का मतलब है कि 9 लिखा हुआ। फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट वगैरह एक्स वाई जी जो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो है ना शुरू 127 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा उस वक्त के साइंटिस्ट को कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो 127 कैरेक्टर्स में मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद नहीं भी हैं, बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स में नहीं है, शॉर्टेस्ट है बहुत। पहला दुनिया का पहला कैरेक्टर सेट बना था ये कि भाई साइंटिस्ट ने अभी नंबर स्टोर करना सीख लिया है, अब वो टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो उन्होंने ये चीज़ ईजाद की। अच्छा तो यार क्लास में बातें कुछ ज़्यादा नहीं हो रही हैं, बंद कर दो ये वाला गेट, ये वाला गेट बंद कर दो, यहाँ से आएगा जो भी आएगा। बंद कर दो ये, लॉक कर दो उसको, लॉक नहीं है। अच्छा इसमें इमोजी भी नहीं है, इसमें बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, इमोजी नहीं है, उर्दू के कैरेक्टर इसमें नहीं है, 127 तो है टोटल ये। हाँ अभी हम आते हैं कि अभी का कैरेक्टर सेट कौन सा, और जावा स्क्रिप्ट भी ASCII को तो फॉलो नहीं करता।
लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इमेजिन करते हैं कि पहला कैरेक्टर सेट है, इसको लेके हमने स्टोर करवाना है। अच्छा, तो इसके अंदर सबसे जो मैक्सिमम और मिनिमम की वो लिमिट है ना, इसके अंदर मिनिमम 0 और मैक्सिमम 127, तो मुझे इसको स्टोर कराने के लिए कितने बिट का, कितने बिट की जगह चाहिए मेमोरी में? एक कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए कितने बिट की मेमोरी चाहिए? 8 बिट चाहिए। अच्छा, 8 बिट से कम में वैसे काम हो जाएगा, लेकिन 8 बिट करके मिलता है ना कंप्यूटर में, आमतौर पे 8-8 बिट करके मिलता है, बाइट का हिसाब किताब है, तो 8-8 करके अब किसी ने बना दिया है, वो स्टैंडर्ड है, वो क्यों बनाया वो मुझे नहीं पता। अच्छा, तो अब आ जाते हैं ज़रा, तो मुझे सबसे पहले सेव करवाना है एम, है ना, तो एम का ज़रा देखते हैं कि क्या नंबर क्या है एम का। नहीं, आई एन जी करवाना है ना मुझे, आई एन जेड आई, 73 है इसका कैपिटल आई का। अच्छा, तो 73 हो गया एक, आ जाते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कि 73 हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले हो गया 73, ये हो गया M, सही है, ये अभी मैंने सेव करवाना है, अभी मैं जस्ट नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। हाँ, आई हो गया। अच्छा, उसके बाद N चाहिए मुझे, N है 78, ये मेरा सेकंड कैरेक्टर हो गया। अच्छा, अब Z है, Z 90 है, सही है, Z तीसरा कैरेक्टर हो गया मेरा। नाइन्टी हो गया और 73 हो गया। अब ये 4 कैरेक्टर हैं जो मैंने सेव करवाने हैं, तो इसका मतलब है कि 4 अलग अलग स्पेसेस मुझे चाहिए होंगे ना। अच्छा, मैक्सिमम नंबर इसमें मुझे 90 क्योंकि मिल रहा है, तो एक बिट के अंदर ना एक कैरेक्टर मुझे सेव करवाना पड़ेगा, तो टोटल मुझे क्या होगा, सबसे पहले मैं 73 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, उसको एक बिट में पूरा सजा दिया, फिर उसके बाद मैंने 78 को बाइनरी में कन्वर्ट किया और उसको एक बिट में पूरे को, एक बाइट में पूरे को सजा दिया, ठीक है, फिर 90, फिर 73, तो 4 बाइट मुझे चाहिए होंगे 4 कैरेक्टर को सेव करवाने के लिए, अगर ASCII को फॉलो कर रहा हूँ मैं तो, अगर ASCII को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि ASCII में 127 वर्ड कैरेक्टर हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा कैरेक्टर अगर मुझे सेव करवाना है जो नंबर 127 पे आता हो, तो मैं जब यहाँ लिखूँगा 127 तो बाइनरी क्या बनेगा उसका, 127 जितना बड़ा बाइनरी बनेगा, तो वो तो एक बाइट के अंदर अंदर ही रहेगा ना वो बाइनरी, लेकिन इमेजिन करो कि मुझे तो फिर और भी चाहिए, तो एक बाइट मुझे चाहिए होगा एक कैरेक्टर के लिए अगर मैं ASCII को फॉलो कर रहा हूँ तो, ठीक है। अच्छा, अभी जितनी भी जदीद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई भी ASCII को फॉलो नहीं करता है, उसके लिए बाद में दूसरे कैरेक्टर सेट आ गए, मिसाल के तौर पे आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो UTF-16 को फॉलो करता है, सही है, UTF-16 जो है उसके अंदर 65,000 कैरेक्टर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो एक कैरेक्टर उसका सेव कराने के लिए अगर कोई 62,000 नंबर पे एक कैरेक्टर खड़ा हुआ है, तो वो तो फिर उसका, उसको बाइनरी जब करूँगा तो 73 थोड़ी आएगा, तो 64,000 आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एक कैरेक्टर सेव कराने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 बिट चाहिए, 2 बाइट चाहिए, है ना, 2 बाइट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कैरेक्टर जब आप सेव करवाते हैं तो उसके लिए 2 बाइट जगह वो कैप्चर करता है, क्योंकि वो UTF-16 को फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से UTF-16 तो हो गया ये वाला, एक है यूनिकोड 2.0, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो सॉफ्टवेयर यूनिकोड 2.0 को फॉलो कर रहे हैं उसमें मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, अरबों, बहुत सारे उसमें कैरेक्टर्स हैं, उसमें दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस के तमाम उसमें कैरेक्टर्स हैं, ज़बर ज़ेर पेज से लेके, और स्पेशल कैरेक्टर जो हैं जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लोगो होता है वो भी उसके अंदर है, सही है, रहमतुल्लाह अलैहि वगैरह सारा लोगो उसके अंदर है, तो हर लैंग्वेज का है उसमें, और फिर सारी इमोजीज़ वगैरह XYZ पता नहीं क्या क्या और भी होता है, तो वो सब है उसके अंदर, तो उसको अगर सेव कराना होता है तो उसके लिए एक कैरेक्टर में 4 बाइट चाहिए होता है मुझे, ठीक है, तो वो सबसे रिच इस वक्त है यूनिकोड 2.0 जो है, ठीक है। इस तरह कैरेक्टर सेट और भी बहुत सारे हैं, नहीं नहीं यूनिकोड, यूनिकोड 2.0,
सही है ये इसका जो है ना लोगो वोगो कह लो आप या जो भी कह लो। आ जाते हैं ये विकिपीडिया यूनिकोड का बना हुआ है, ठीक है। यूनिकोड इज फॉर्मली यूनिकोड स्टैंडर्ड, इसमें 3600 तो सिर्फ इमोजी हैं इसके अंदर, सही है। अब कितनी लैंग्वेजेस के इसमें कैरेक्टर है वो भी मेंशन हुआ हुआ होगा। ठीक है अच्छा, लेकिन अच्छी बात पता है क्या है कि जो शुरू का 127 है ना एस्की का, ये सब ऑन द टॉप ऑफ एस्की चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे इस कैरेक्टर सेट के अंदर भी अगर मैं जाऊंगा ना और देखूंगा ना 65 पे कैपिटल लेटर का ए ही होगा, ये शुरू के 127 फिक्स हैं, सही है। बाकी जो अरबी वरबी के जितने हैं और उर्दू के और हिंदी के और इंडोनेशियन वगैरह वो सब इसके बाद हैं। हाँ वो पुराना वो है और ऑन द टॉप ऑफ उन्होंने बोला अच्छा इसमें काम नहीं हो रहा भाई 127 में, इसको रिच करो और, तो किसी ने 400-500 और उसमें ऐड कर दिए, तो वो उसके बाद ऐड हो गया, उसका एक नाम रख दिया उस, फिर कोई आया उसमें एक और ऐड कर दिया उसका कोई नाम रख दिया। तो ये इंक्रीमेंटल वे में वो चल रहा है कि चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये एपीआई के अंदर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर ना वर्जन कंट्रोल में ये होता है कि जो एक बार चीज़ रिलीज़ हो जाती है ना उसको चेंज नहीं करते, फिर एपीआई 2.0 जब आती है तो 1 को ख़त्म नहीं करते, 1 की उसमें सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो वो इस वजह से कि शुरू में जो चीज़ रिलीज़ कर दी वो फिक्स हो गई, जब उसके इंक्रीमेंटल वे में वो बढ़ता रहेगा, तो ये एक ट्रेडिशन है सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। ये रिलायबिलिटी को कायम रखने के लिए कि कोई अगर ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो पहले एस्की को सपोर्ट करती थी और उन्होंने वो 127 के अंदर अंदर कोई काम किया हुआ है, अब उसी लैंग्वेज में सपोर्ट आ गई नए वाले की, तो पुराना कोड तो ना बंद हो जाए ना, वो तो चलता रहे, तो वो इस वजह से करते हैं, ये आम तौर से ये प्रैक्टिस है, सही है। तो हमने क्या कर लिया अब इसके अंदर हमारे, अब जो भी नंबर बनता है जो भी मैंने टेक्स्ट लिखना है उसको मैं कन्वर्ट करूँगा और अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर सेट वो एक कैरेक्टर उतने बाइट ले लेगा। तो ये हमने स्ट्रिंग भी सेव कराना सीख लिया। अच्छा अब मेरा ख्याल है कि ये टॉपिक यहाँ पे पूरा हो गया, सही है। अब हम अगला मूव करते हैं, लेकिन यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ ले। हाँ नहीं, बहरहाल अभी मुझे एग्जैक्टली वो नंबर नहीं पता कि इन्होंने सवाल दोस्त ने पूछा है कि अगर यूनिकोड में अगर 3-4 बिलियन कैरेक्टर हैं टोटल, तो वो तो 4 से भी ज़्यादा बिट लेना चाहिए, लेकिन इसका 4 बिलियन जो है ना, 4 बिलियन जो नंबर है वो 4 बाइट में ईजिली स्टोर हो जाता है, सही है। अभी आप कैलकुलेट करेंगे ना नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने पुरानी अप्रोच से सीखा है, वो जब जो आपको मैंने असाइनमेंट दिया ना गूगल करने के घर जाके कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में ऐसे सोचने में तो लग रहा है कि पॉइंट के बाद नंबर है तो वो भी जगह लेगा, तो जो 2 बाइट में 65,000 सेव होते थे अब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो फिर पॉइंट के लिए अलग जगह चाहिए होगी, लेकिन जब आप गूगल करेंगे ना तो आपको एक ऐसी अप्रोच नज़र आएगी कि उसी 2 बाइट में पॉइंट के बगैर जो 65,000 स्टोर होता है और जब पॉइंट लग जाता है तो उसमें 2 मिलियन तक स्टोर हो जाता है, सही है। अप्रोच का फ़र्क है, वही बिट है, वही नंबर सिस्टम है, बाइनरी सब कुछ वही है, अप्रोच का फ़र्क है सर। अब सोचो ऐसा क्या करे बंदा, ऐसा क्या किया होगा उन्होंने, अब क्यूरियोसिटी हो गई कि यार ऐसा कौन सी अप्रोच निकाल के ले आए, अभी तो हम और कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, अभी तो जो हमने देखा है और कोई लग रही है पॉसिबिलिटी नहीं, सिर्फ अप्रोच है, अप्रोच डिफरेंट है, बिट वही है, बाइट वही है, सब वही है, सिर्फ अप्रोच फ़र्क है। रख मिसाल के तौर पे पहले अगर मुझे एक नंबर रखवाना है 32 एक नंबर रखवाना है तो मैं पहले कैसे रखवाता था, यानी अभी जो हमने किया कि अभी मैं कैसे रखवाता हूँ और पॉइंट वाले केस में मैं कैसे रखवाऊँगा, तो बिल्कुल वो आप देखेंगे कि वो ड्रास्टिक उसमें चेंज आ जाएगा। हाँ नहीं, मगर वो 2 बाइट में 65,000 सेव होते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ 2 मिलियन तक हो जाएंगे फिर, तो वो तो कम होना चाहिए, ज़्यादा तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना अभी के अप्रोच में, लेकिन अप्रोच का फ़र्क है,
अप्रोच का फ़र्क है, तो वो एक ऐसी अप्रोच है, अब वो आपने डिस्क्लोज करना है अपने आप को कि वो क्या अप्रोच है। हाँ सही है। अच्छा तो ये यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं है तो बस आज का ये टॉपिक हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में जो हमने चीज़ पढ़ी है कि सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी में कैसे प्रोग्राम स्टोर होते हैं, कैसी चीज़ें। अच्छा ये बात सिर्फ कंप्यूटर के रैम के लिए ट्रू नहीं है, ये बात ये हार्ड ड्राइव के लिए भी ट्रू है। अगर मैंने कोई लिखा है कि हेलो वर्ल्ड एक टेक्स्ट लिखा और उसको मैंने हार्ड ड्राइव में सेव करवा दिया तो वो भी इसी तरह सेव होगा, टेक्स्ट है ना वो, तो वो टेक्स्ट जो है वो नंबर में कन्वर्ट होगा और वो बाइनरी बनेगा उसका और बाइनरी जाके वो सेव हो जाएगा। सीडी में जब स्टोर होगा तो भी इसी तरह होगा। सीडी में क्या होता है, वो जो डल और शाइनी सरफेस होता है ना, जीरो और वन ही होता है सीडी में, ठीक है। आप वो गूगल कीजिएगा कि माइक्रोस्कोप में वो देखते हैं ना, जब बिल्कुल इमेज को भी कन्वर्ट करेगा। अब इमेज को कैसे कन्वर्ट करेगा, ऑडियो को भी कन्वर्ट करेगा इसी तरह, बिट और बाइट वही है मेरे भाई, इसी में सब स्टोर हो रहा है। जो आप ये वीडियो ऑडियो इंटरनेट और ये क्लिक श्लिक ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब इसी में स्टोर हो रहा है। अभी हमने ये एक सीढ़ी पे पांव रखा है कि नंबर और स्ट्रिंग और ये बुलियन वुलियन जो भी, ये पहली सीढ़ी पे हमने पांव रखा है, अब ये सब इसी पे स्टोर होता है। अच्छा मैं इमेज का एक बताता हूँ आपको आसान सा। इमेज क्या है, व्हाट इज एन इमेज, तो इसका मतलब है कि अगर मैं पिक्सल्स को किसी तरह बाइनरी में कन्वर्ट कर दूं तो हो गया मेरा मसला हल, है ना। हाँ समझ गया। अच्छा तो इमेजिन करो, इमेजिन करो कि मेरे पास एक इमेज है। वैसे तो इमेज 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल की इमेज होती है नॉर्मली, ठीक है, या एटलीस्ट 500 पिक्सल की होगी जब भी, तो वरना पर बहुत छोटी होती है। लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अभी मेरे पास क्या है, एक 9 पिक्सल की इमेज है, 3 पिक्सल बाई 3 पिक्सल है, सही है। इनमें से हर एक पिक्सल का जो कलर है वो क्या हो सकता है, हाँ भाई आरजीबी की एक वैल्यू होगी, इसका रेड ब्लू ग्रीन होगा कुछ ना कुछ इसका, है ना। तो मिसाल के तौर पे ये जो है ना, ये पूरा रेड है, तो इसका जो आर है वो क्या होगा, 255। याद है सीएसएस में वो जब हम आरजीबी की वैल्यू देते हैं तो वो 0 से लेकर 255 तक होती है, वो 0 से 100 तक क्यों नहीं होती। ये किसी ने सवाल पूछा नहीं था लेकिन आमतौर पे ये सवाल आता है ऑडियंस के साथ, सर ये 255 ही क्यों है, 100 तक होना चाहिए ना असूलन, तो 0 से लेकर 100। तो वो 255 का चक्कर इसलिए है कि 255 वन बाइट का साइज़ है ना, तो 255। तो मिसाल के तौर पे इसको अगर ये पिक्सल रेड कलर का है तो आर इसमें फुल है, तो आर है 255, सही है 255 हो गया आर, कॉमा बाकी जो दूसरा 0 है और कॉमा तीसरा भी 0 है, कि एक पिक्सल मैंने कन्वर्ट कर लिया, पहले नंबर में कन्वर्ट किया, अब नंबर को मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर लूँगा, तो इस एक नंबर को यानी एक पिक्सल को सेव कराने के लिए ये मुझे 3 नंबर आ गया मेरे पास, ठीक है। इस 3 नंबर की जो वैल्यू मिनिमम 0 या मैक्सिमम 255 हो सकती है, इसका मतलब है कि एक पिक्सल का जो ये रेड है सिर्फ इसके लिए मुझे पूरा एक बाइट चाहिए, सही है। फिर इस ब्लू के लिए पूरा एक बाइट चाहिए, भले 0 है फिलहाल ये, लेकिन ये 255 तक, फिर इसके लिए एक बाइट चाहिए मुझे, तो इसका मतलब है कि इस एक पिक्सल के लिए मुझे 3 बाइट इनफ होंगे मेरे पास एक पिक्सल के लिए, अगर आरजीबी की फ़ोटो है तो, क्योंकि आजकल तो जदीद जो है ना वो एचडीआर फ़ोटो आ गई है, वो एचडीआर वो 10 बिट होता है, वो मतलब इस वो 255 से आगे की कहानी है वो, लेकिन अभी न्यू टेक्नोलॉजी है बहुत, उसको डिस्कस करना फजूल है। बेसिक तो यही चल रहा है आरजीबी, आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके लैपटॉप की स्क्रीन में, इस प्रोजेक्टर में, सब में आरजीबी चल रहा है। वो बिल्कुल नए वाले जो है ना डिस्प्ले, जो कर्व वर्व वाले पता नहीं कौन से, वो एचडीआर प्लस डॉल्बे विजन, उसके अंदर 10 बिट होता है, वो 255 से आगे की कहानी है, उसमें एक पिक्सल 255 से ज़्यादा का होता है, सही है, उसमें ज़्यादा कलर्स होते हैं। लेकिन अगर 255 तक होगा तो कितने बनते हैं कलर, 16 मिलियन कलर बनते हैं भाई, 255 और 255 है, तो इनकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ कितनी बनेंगी, 16 मिलियन।
सबसे पहली पॉसिबिलिटी हुई कि तीनों जीरो है, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी के दो जीरो है, एक वन हो गया, फिर तीसरी पॉसिबिलिटी दो जीरो है, दूसरा टू हो गया, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, ऐसे पूरा वो 255 तक जाएगा, फिर उसके बाद ये बीच वाला वन होगा, फिर पूरा, तो ऐसे वो सेट वाली मैथमेटिक्स। तो अगर तीन वैल्यूज़ हैं और जीरो से 255 तक की पॉसिबिलिटी है तो ये 16 मिलियन बनते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर टीवी वगैरह पे लिखा हुआ था 16 मिलियन कलर्स, इसका मतलब है वो आरजीबी पे चल रहा है, ठीक है। जो आपके ये आरजीबी से आगे की जो कहानी है ना, उसमें 16 मिलियन से ज़्यादा कलर्स होते हैं, ठीक है। तो खैर, अब मगर इसमें अब ये एक पिक्सल को सेव कराने के लिए आरजीबी की वैल्यू जो है, मुझे 3 बाइट चाहिए, तो 3 बाइट इसके लिए, 3 बाइट इसके लिए और 3 बाइट इसके लिए, 9 बाइट हो गए, 9 और 9 18 18 और 9 27 बाइट। तो मुझे 3 पिक्सल बाई 3 पिक्सल के लिए ना 28 बाइट चाहिए। हाँ, तो 300 KB की होती है ना इमेज, अभी तो होती है इतने KB की, 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल की इमेज कितने KB की होती है अगर RGB में है तो, क्योंकि वो PNG उसका अलग बन जाना है, वो हमने पढ़ा था HTML की बुक में कि वो पिक्सल पे बेस नहीं करता, वो एंगल पे होता है, वो वेक्टर होता है वो। तो इसको हमने कैलकुलेट किया कि 28 बाइट अगर मेरे पास हो ना, तो ये 3 पिक्सल बाई 3 पिक्सल की इमेज को मैं सेव करा सकता हूँ, उसके अंदर कन्वर्ट करूँगा मैं एक एक करके डेसिमल में, और डेसिमल को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, सीधा सजा दूँगा उसको, और जब चाहिए होगा रीड करना होगा वापस उठाऊँगा, स्क्रीन पर रेंडर मारूँगा, चल जाएगा वीडियो। अब वो ऐसे ही होते हैं, शोबेबाज होते हैं वो, कोई मतलब उसका क्या फ़ायदा है। वो सही कह रहा है, ये स्टेज पे एक बंदा आता है, वो स्टेज पे जाके ना वो बड़ा बड़ा 15-15 डिजिट के उसको 2-3 नंबर बताओ, वो मल्टीप्लाई उसको वैसे ही कर लेता है यूँ चुटकियों में। तो यार उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा तो कुछ नहीं है, मतलब 20 रुपये का कैलकुलेटर भी तो वही कर रहा है ना, तो 20 रुपये मतलब मुझे वाकई समझ में नहीं आता कि उसका फ़ायदा क्या है। IQ भी IQ का गेस नहीं है, वो कुछ और केस होता है, वो असल में ट्रिक होती है उसको कैलकुलेट करने की, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसने बताया भी, एक्सप्लेन भी किया है। मगर जो भी प्रैक्टिस कर रहा है इस ट्रिक को, उसका फ़ायदा क्या है? कैलकुलेट करने के लिए तो कैलकुलेटर मौजूद है ना, असल तो ये पता होना चाहिए कि कैलकुलेट करना क्या है और करना कैसे है। एक्चुअल कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर करके दे देगा ना यार आपको। हाँ नहीं, कैलकुलेटर भी गलती करता है, खैर वो तो बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया कि 99% ऑफ द टाइम के कैलकुलेटर इतनी गलती नहीं कर पाता आमतौर पर। तो लेकिन द वेरी ह्यूमन थिंग इज कि कैलकुलेट करना क्या है और करना कैसे, अप्रोच। अभी देखो जैसे मैंने अप्रोच बताई तुम्हें कि भाई वो पॉइंट वाला नंबर है वो 65,000 की बजाय 2 मिलियन सेव हो जाएगा और पॉइंट वाला भी हो जाएगा, तो ये अप्रोच का फ़र्क है ना, कैलकुलेशन का फ़र्क थोड़ी है। अब बताओ किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो इससे हिसाब लगा के बता दे, कैलकुलेटर का गेम ही नहीं है ये, अप्रोच का गेम है, इंटेलेक्चुअल का गेम है ये। तो इसका क्या फ़ायदा है कि 15 डिजिट के 2 नंबर को आपने यूँ मल्टीप्लाई करके बता दिया सामने से, उसका फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अभी वीडियो, ये तो फोटो हो गया। हाँ भाई वीडियो क्या चीज़ होती है असल में? फ्रेम, एक तो स्टिल फोटो होती है, स्टिल फोटो सिंगल फ्रेम होता है। वीडियो क्या होता है कि वो 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल की एक पिक्चर नहीं होती, बल्कि मल्टीपल पिक्चर होती है जो चेंज हो रही होती है। आम तौर पे जो आप सिनेमा में देखते हैं वो 22 FPS पे होती है, 22 FPS, 24 FPS पे होती है वो, ठीक है। या जो कैमरे से आप आमतौर पर वीडियो बनाते हैं वो 30 FPS होती है या 60 FPS होती है, जो अच्छे वाले कैमरे उसमें 60 FPS होता है, जो ट्रेडिशनल है थोड़े उसमें 30 होता है। तो 60 FPS का मतलब ये है कि एक सेकंड में 60 फ्रेम चेंज होते हैं उसमें, यानी कि एक अगर स्टिल इमेज की मैं बात करूँ तो स्टिल इमेज 60 एक सेकंड में चेंज होती है, सही है। तो गेम उसमें असल में वीडियो कुछ भी नहीं होता, बहुत सारी फ़ोटो होती है और कुछ भी नहीं होता, बस आप समझो कैमरा पकड़ के ना आप टक 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 दबाते जा रहे हो, फ़ोटो खींचते जा रहे हो, तो वो कर रहा होता है। वीडियो में असल में ये हो रहा होता है, वीडियो एक सेकंड में 60 फोटो आपकी खींच रहा है, 60 FPS वीडियो बन रही है अगर तो, और जो भी साइज़ है 4K साइज़ है तो वो 4K का एक रेजोल्यूशन होता है कि भाई
2000 समथिंग बाई 1920 जो भी उसका साइज़ होता है, वो पिक्सल में साइज़ है, उतने साइज़ की मल्टीपल इमेजेस हैं। तो अगर मेरे पास 60 fps की वीडियो है और 2 सेकंड उसकी ड्यूरेशन है, तो वो कितनी फ़ोटो हो गई टोटल? 120 फ़ोटो हो गई। 60 fps में अगर उसने होना, तो 120 फ़ोटो आ गई मेरे पास। अब वो 120 फ़ोटो जो है ना पूरी, वो मेमोरी में कैसे सेव है? वो एक एक पिक्सल उसका कैलकुलेट होगा, और जैसे ही स्टिल इमेज सेव है वैसे वो सेव होगा, और वो 120 इमेज यू सीधी सेव होंगी, और वो इधर से रीड करता जाएगा उसको और डिस्प्ले कराता जाएगा, तो वो वीडियो प्ले हो रही होती है उस तरह। अच्छा, वीडियो के साथ एक ऑडियो भी चिपका हुआ होता है, ऑडियो कैसे सेव होगा मेमोरी में? सिर्फ ऑडियो, अभी वीडियो के साथ वाला तो बात अलग है, सिर्फ ऑडियो अगर होगा तो उसको मेमोरी में कैसे सेव करेंगे? ये बात निकल आई है, तो मैंने कहा पूरा कर दें फिर हम इसको। वैसे तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, जितना मैं ज़रूरी समझता हूँ ना पढ़ाना, वो कंप्लीट हो गया, ये एडिशनल है। ऑडियो कैसे सेव होगा? बिट वही है, बाइट वही है, वो नहीं चेंज हुआ। आज भी प्रोसेसर जो है इंटेल, वो एड चलाता है अपना, बोलता है भाई 32 बिलियन ट्रांजिस्टर वाला प्रोसेसर है हमारा, ये वही है। हार्ड ड्राइव खरीदने जाते हो, यूएसबी खरीदने जाते हो, बोलता है भाई 4GB, 4 GB। बिट और बाइट आज भी वही है जो बना था शुरू में, अभी एग्जैक्टली वही है। अब ऑडियो फाइल सेव करानी है इस मेमोरी के अंदर, इस 01 की फॉर्म में, कैसे कराओगे? अच्छा, ऑडियो जो है ना, जो मैं जो मुंह से बोल रहा हूं, वो इसमें ना सेव नहीं हो सकता, ठीक है? ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया गया कैसे वो बताता हूँ। अच्छा, सेफ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है ना, दैट इज़ हारमोनी, दैट इज़ एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा समझते हो? एनालॉग डेटा वो होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप एक दरख्त के सामने खड़े हुए, एक पौधे के सामने, अब उसकी टहनी ना यूं निकल रही है, बीच शाख में से टहनी यूं निकल रही है। अच्छा, अब वो टहनी यूं निकल रही है ना, तो वो कितने एंगल पे निकल रही है, आप ये कैसे नापोगे? आप उस पर रखा आपने डी, अब वो डी रखा आपने उस पर तो कोई ना कोई उसका एंगल होगा। अच्छा, मगर उसका ना एंगल, आप एंगल में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते आप? क्योंकि मिसाल के तौर पे वो यूं निकला हुआ है, अगर डंडी बाहर उसकी, तो वैसे तो वो है कोई 35 डिग्री, 30-35 डिग्री के अराउंड है कुछ, लेकिन एग्जैक्टली वो 35 नहीं है। आप इमेजिन करें कि आपने नापा 35 पे आ रहा है वो, लेकिन वो एग्जैक्टली 35 पे नहीं है, वो या तो 35 से थोड़ा पहले होगा या तो 35 के थोड़ा बाद होगा। अच्छा, तो 34 और 35 के बीच में क्या है? 35.5 है, यानी 35.1, 35.2, 35.3 से लेके पूरा 9 तक है, ठीक है? अच्छा, तो इसमें से किसी एक पे होगा। आपने बोला कि 35.5 पे, लेकिन वो एग्जैक्टली 35.5 पे भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, वो उससे या तो 5 से पहले होगा या तो बाद में होगा। तो पता ये चला कि 34 और 35 के दरमियान इन्फिनिटी है। अब वो उस इन्फिनिटी में कहीं एक जगह लाए कर रहा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। वो एक्चुअल डेटा जो है ना, जो आपने रीडिंग वहाँ से ली है, वो कभी भी आप उसको डिजिटलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसी जगह पे होगा कि आप उसको, आपको या तो राउंड ऑफ करके थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा करके ना उसको डिजिटल लेवल पे लाना पड़ेगा। तो ये एनालॉग डेटा इसको कहते हैं, ठीक है? एनालॉग डेटा इसको हम कहते हैं। तो जो इंसान की आवाज़ है ना, जो ये एनालॉग है, ये डिजिटल नहीं है। या मिसाल के तौर पर बांसुरी कोई बजा रहा है ना आपके सामने खड़ा होकर, तो दैट साउंड इज़ एनालॉग साउंड, इसको आप सेव नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर करते क्या है? इसको करते हैं डिजिटलाइज।
ठीक है, जो डिजिटलाइजेशन में आपको बता रहा हूँ कि अभी होती कैसे, वो क्या करते हैं, जैसे वीडियो भी है ना, अब यहाँ पे कोई सीन हो रहा है, ये पंखे का जो पंखी घूम रही है ना, दिस इज एनालॉग डेटा, ये इसके घूमने को कैप्चर नहीं किया जा सकता। तो उसका हल क्या निकालते हैं, उसका हल ये निकालते हैं कि एक सेकंड में 60 फोटो ले लेते हैं इसकी, तो ऐसा लगता है कि वो पंखा घूमता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर उसको मैं फ्रेम बाई फ्रेम देखूँ तो वो एक पॉइंट पर यहाँ होगा, फिर वो डायरेक्ट यहाँ होगा, फिर वो डायरेक्ट यहाँ होगा, यही होगा ना, सीधा तो घूमता हुआ नहीं दिखेगा मुझे वो, हर फ्रेम अगर फ्रेम बाई फ्रेम देखूँ मैं तो वह एक्चुअली वो सैंपल लिया हुआ है, एक सेकंड में 60 सैंपल लिया हुआ है, तो ये वीडियो की फॉर्म मुझे दिख रही है कि अच्छा यार ये सीन दिख रहा है पूरा मुझे, लेकिन असल में वो सीन का डिजिटल वर्जन है, वो एक्चुअल सीन नहीं है। तो किसी भी एनालॉग डेटा को ना इसमें सेव कराने के लिए उसको डिजिटली कन्वर्ट करना पड़ता है, डिजिटल बनाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, डिजिटल जो जितनी भी चीज़ें हैं डिजिटल, वो सारी ना डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट समझते हो, डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि वन के बाद टू है, बीच में कुछ नहीं है, हम एक जगह लिमिट करते हैं उसको, हम कहते हैं कि वन से टू के दरमियान में ना 1.1 है और 1.2, 1.3 से 1.9 तक है। अच्छा, 1.1 और 1.2 के दरमियान क्या है, कुछ नहीं है, हम कहते हैं लिमिट कर दो यहाँ तक, बस एक डेसिमल पॉइंट पर लिमिट कर दो बस, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट करना या डिजिटलाइज करना। एनालॉग में तो अनफिनिटी है, एक वन और टू के दरमियान एनालॉग में तो कोई लिमिट नहीं है, वो तो जहाँ तक जाते जाओगे वो जाता जाएगा, तो आप कहाँ रुकोगे, आप कहीं तो रुकना पड़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं रुक के हम उसको डिजिटलाइज कर देते हैं, वहाँ पे लिमिट कर दो। हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। खैर, तो अब जो साउंड है या जो वीडियो है उसका क्या करते हैं, एक सेकंड में सैंपल लेते हैं वो, पर सेकंड में सैंपल लेते हैं। अच्छा, तो अक्सर आपने ऑडियो फाइल में देखा होगा 128 kbps, है ना, 128 kbps, तो क्या कहते हैं, kbps होता है, क्या होता है, 12, वो kb पर सेकंड है वो, तो हाँ अभी पता नहीं मुझे वो अभी याद नहीं आ रहा, बिट रेट बोलते हैं उसको, बिट रेट, MP3 बिट रेट होता है वो, नहीं kbps ही होता है, 96 kbps से लेके 320 kbps तक की रेंज होती है, तो अगर बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए तो 320 kbps कर लेते हैं। तो वो क्या करता है, वो एक सेकंड में ना 320 kb का डेटा स्टोर करता है, और करता है कैसे, सैम्पलिंग करता है, ठीक है। तो ये सैम्पल रेट भी आपको इसमें आ रहा होता है, 48 kHz MP3, जो MP3 की जो मैक्सिमम क्वालिटी है ना वो 48 kHz है। 48 kHz का मतलब क्या है कि एक सेकंड में वो 48,000 दफ़ा सैंपल लेगा आपके साउंड का, सही है, 48,000 सैंपल लेता है एक सेकंड में। तो अगर आप उसको फ्रेम बाई फ्रेम सुनेंगे ना तो उसका कोई मतलब नहीं होता, अगर आप साउंड को फ्रेम बाई फ्रेम सुन सकते हैं, एक फ्रेम में ये इसका कॉम्बिनेशन बना के ना वो पूरा एक साउंड बना देता है वो, तो एक सेकंड में वो 48,000 सैंपल ले रहा है, अगर चाहे तो 50,000 सैंपल ले ले, चाहे तो 100,000 सैंपल ले ले, लेकिन वो एनालॉग के बराबर कभी भी नहीं होगा। 1 बिलियन सैंपल भी ले लेना अगर एक सेकंड में, तो एनालॉग डेटा उससे भी ज़्यादा है, तो एनालॉग डेटा कभी भी स्टोर नहीं हो सकता। किसी भी डेटा को डिजिटल कंप्यूटर में, इसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, अगर स्टोर करवाना है तो उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड एवरी टाइम यू कन्वर्ट एनी डेटा इनटू डिजिटल, कोई भी नेचर जितना है सब एनालॉग है, तो नेचर से कोई भी डेटा आप लेते हो और उसको आप डिजिटलाइज करते हो ना जब, तो एवरी टाइम यू डू दैट यू लूज सम इंफॉर्मेशन, है ना। साउंड आप रिकॉर्ड करते हो 48 kbps में रिकॉर्ड हो रही है, 48 kHz एक सैंपल, एक सेकंड में 48K दफ़ा सैंपल ले रहा है वो, और वो 320 kb का डेटा जनरेट कर रहा है मेमोरी के अंदर एक सेकंड में, इसके बावजूद कुछ ना कुछ डेटा वो लूज़ कर जाता है, ठीक है। यही वजह है कि सम टाइम आप अपनी आवाज़ जब बोलते हैं तो अलग होती है, बोलने में रिकॉर्ड करके सुनते हैं आप कहते हैं यार ये कौन है नहीं वैसे तो ये इस वजह से भी होता है ना कि जब बंदा खुद बोलता है तो उसको खोपड़ी के अंदर से भी अपनी आवाज़ खुद की सुनाई जाती है ना, बेस ज़्यादा, खुद की आवाज़ बंदे को बेस ज़्यादा फील कराता है अपने आप को,
लेकिन जब रिकॉर्ड करके सुनता तो खुद खामोश होता है, फिर तो बेस इतना नहीं होता, लेकिन उसके अलावा भी फ़र्क हो जाता है। रिकॉर्डेड साउंड कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। यानी मिसाल के तौर पे अगर ज़िंदगी में आपने कभी किसी को फ्रंट पे ऐसे गाने गाता हुआ सुना हो और फिर उसी बंदे का रिकॉर्डेड सुनेंगे ना बाद में, तो आप कहेंगे यार ये तो वो बात नहीं है, डिफरेंट है बहुत। नहीं नहीं, मैं अगर कभी आप गिटार है ना, गिटार अगर आपने लाइव कभी बजाते हुए सुना हो किसी को, तो वो लाइव जो गिटार के तार हिलने से जो डेटा जनरेट हो रहा है ना, जो साउंड जनरेट हो रहा है, दैट इज़ एनालॉग साउंड, दैट इज़ हारमोनिक, ठीक है। तो वो लेकिन उसी को अगर आप रिकॉर्ड कर लें ना बाद में सुने, तो दैट इज़ डिजिटल डेटा। तो उसमें फ़र्क तो है, फ़र्क बाकायदा फील हो जाता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन के वो माइक की क्वालिटी क्या आती है, स्पीकर की क्वालिटी जिस पर आप सुन रहे हैं दोबारा उसको प्ले कर रहे हैं, वो सब की क्वालिटी मैटर करने के बावजूद बहुत सारा डेटा आप लूज़ कर जाते हैं। वेल, तो हमने ये काफ़ी डिटेल में आज डिस्कशन की कि वेरिएबल के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है, या इन जनरल डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोर होने का कॉन्सेप्ट है वो काम कैसे कर रहा है। अच्छा, अगली क्लास में हमने पढ़ना है अब एरे, ठीक है। हमने अभी तक नंबर वेरिएबल पढ़ लिया, स्ट्रिंग वेरिएबल पढ़ लिया, बूलियन वेरिएबल पढ़ लिया, इफ एल्स की कंडीशन चेकिंग पढ़ ली है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो एरे है, ठीक है, एरे और फॉर लूप, ठीक है। तो एरे जो है वो फॉर लूप के लिए बना है, फॉर लूप एरे के लिए बना है। तो ये दोनों टॉपिक हमने अब मिला के साथ में पढ़ना है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय।